रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही यार, क्या हो गया पता नहीं। यस आ रही है। अरे मेरी नहीं उसमें। हेलो हेलो हेलो, ऑडियो इनपुट है, कोई बोलना कुछ। ठीक है यस भाई, सर। सब सही है, चल रहा है सब कुछ। कल यही हुआ था, कल मैंने रिकॉर्ड सेशन किया, बाद में पता चला भैया इनपुट ऑडियो आउटपुट ऑडियो दोनों बंद है, वो सिर्फ शक्लें रिकॉर्ड हो रही है तुम लोगों की। चलो कोई बात नहीं, किसी के पास कोई सबूत नहीं है किसने किसको कितना कहा। ठीक है तो हम देख लेते हैं अपना एक बार। चलो सर लोग, ठीक है ये हमारा है प्रोजेक्ट, मैं लॉग्ड इन हूँ पहले से ही, ठीक है, एंड होम पे तो कुछ नहीं है, क्रिएट है प्रोजेक्ट में हमारा सबमिशन है। ठीक है, हमने प्रोजेक्ट बना लिया था, हमने अभी तक इसका लिस्टिंग वाला पेज नहीं बनाता है, राइट। तो हम पहले लिस्टिंग वाला पेज बना देते हैं, लिस्टिंग वाला पेज यहीं पे आ जाना चाहिए, है ना। तो पहले हम लिस्टिंग के लिए छोटा सा लिस्ट प्रोजेक्ट लिस्टिंग प्रोजेक्ट लिस्टिंग HTML हम पहले ये देख लेते हैं, क्या पता हमें कोई, अरे यार ये तो कुछ और ही दे रहा है। लिस्टिंग बूटस्ट्रैप कार्ड, कार्ड बूटस्ट्रैप लिख देते हैं, कार्ड बूटस्ट्रैप, क्या पता हमें कोई बढ़िया चीज़ मिल जाए। बूस्टेड डॉट ऑरेंज, व्हाट इज दिस कार्ड, इज फ्लेक्सिबल सिंपल कार्ड, ये कार्ड अच्छा है ना। एंड हम इसके अंदर कुछ ऐसा कर सकते हैं, ये बूटस्ट्रैप ही है क्या कार्ड ऑरेंज, क्या है विद बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप ही है। तो हम क्या करेंगे ध्यान से सुनना, मैं चाह रहा हूँ कि कार्ड हो, कार्ड टाइटल हटा देंगे, उसका डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है, उसके अंदर हमने और क्या क्या भरा था, हमने टाइटल वाइटल लगा था, हम वो सब भी ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड एक एक वो हो, एक हम बनाएंगे कॉपी लिंक का, कि बंदा लाइक वो हम लिंक्स डाल देंगे सारी, ठीक है, एक गिटहब लिंक डालेंगे, लाइव लिंक डालेंगे, एक और डालेंगे सी स्क्रीनशॉट। तो सी स्क्रीनशॉट पे जैसे बंदा क्लिक करेगा, जो भी बंदे ने स्क्रीनशॉट डाला होगा ना, वो एक मोबाइल में खुल के आएगा, ठीक है, ये मैंने सोचा हुआ है। इसके अलावा अगर लगता है कि सर हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं तो अभी बताओ मुझे, ठीक है, क्योंकि अगर हमने इसको बनाना मेरे दिमाग से शुरू किया तो हम बहुत गंदा बनाएंगे, क्योंकि मेरा डिज़ाइनिंग थोड़ा सा ख़राब है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस टेक्स्ट टाइटल वाले को, ठीक है, आई होप ये बढ़िया चल रहा होगा, बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एक काम करता हूँ, चेक कर लेता हूँ इंडेक्स में जाके कि ये सही भी है या नहीं है। अरे क्या कॉपी हो गया ब्रो, का कॉपी बटन काम नहीं करता बताओ। रीलोड करो पेज को, देखो वो तो बढ़िया लग रहा है, ठीक है, कार्ड तो बढ़िया लग रहा है, राइट। तो हमें कार्ड का यहाँ पे नेम डालना है, सब टाइटल की जगह हम यहाँ पे डालेंगे ऑथर, ठीक है, एंड यहाँ पर हम अपना डिस्क्रिप्शन डालेंगे, ठीक है, और क्या क्या है हमारे पास एक बार देख लेते हैं हम अपना। एक तो सबसे पहले इसको ओपन करो एंड मॉडल मॉडल ओपन करो, ठीक है, देखो ध्यान से देखना मैं चीज़ें कैसे करता हूँ, क्योंकि तुम्हें दो तीन चीज़ें एक साथ चाहिए होंगी, तुम्हें दूसरी फाइल की ज़रूरत चाहिए होगी। तो मैंने क्या किया, जैसे ये ऐसा था तो मैंने उसको उठाया एंड देन मैंने इसको साइड लगा दिया, ठीक है, मैं इसको इसके नीचे भी लगा सकता हूँ, ये देखो नीचे भी लगा सकता हूँ, ठीक है, तुम कैसे भी कर सकते हो, ये अपने अपने तरीके होते हैं लोगों के करने के। अब क्या हुआ, अब इससे मैं क्या एक काम कर सकता हूँ, मैं दोनों चीज़ें एक साथ देख सकता हूँ, है ना, देख रहे हो, ये देखो दोनों चीज़ें मैं एक साथ देख सकता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर तो टाइटल है, टाइटल रहने दो इसको, ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे ईमेल वीमेल की तो कोई ज़रूरत है नहीं, मुझे शो कराने की, मुझे चाहिए सबमिटेड बाय, है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभी लिख ही रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं फिर इन चीज़ों को बाद में डालूंगा जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा अपना डिस्क्रिप्शन, ठीक है, DESC डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा गिटहब लिंक, गिटहब लिंक, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अगर ये लाइव लिंक होगा तो इसके अंदर हम चेक लगाएंगे, चेक वगैरह कैसे लगाएंगे सब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। एंड हम एक और देख लेते हैं लिंक के, और किस किस के लेंगे, गिटहब लिंक हो गया, ये हो गया डिस्क्रिप्शन, ईयर सेक्शन, ठीक है, एक काम करेंगे हम इसके आगे लगा देंगे बाय कौन से ईयर के कौन से सेक्शन के बच्चे बच्चे ने किया, ठीक है, कौन से सेक्शन
जैसे हमारे उसमें होता था थर्ड ईबी, ईबी हमारा सेक्शन था एंड थर्ड हमारा ईयर था, है ना, सॉरी थर्ड हमारा सेमेस्टर था, बट हम इसको ऐसा लाइक सेक्शन ही मानेंगे। तो तुम लोगों के भी ऐसा होता है क्या, सेकंड ए सेकंड बी ऐसा होता था क्या तुम्हारे यहाँ भी? हाँ सर, मतलब ए और बी रहता है, और डिपार्टमेंट वाइज मतलब ईयर वाइज ये करता है, फर्स्ट या ओके सेकंड या ठीक है, बस। तो फिर ऐसे ही लिखेंगे बाय दिस ईयर एंड दिस सेक्शन, ठीक है? तो ऐसे करेंगे तो एंड एक यहाँ पे एक मॉडल होगा, मॉडल होगा, मॉडल 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 लिंक, मॉडल मॉडल लिंक होगा, उसके अंदर स्क्रीनशॉट होगा, स्क्रीनशॉट। तो हम पहले मॉडल लिंक बना लेते हैं ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा डालना रह जाए। तो हम जाते हैं कार्ड पे, हम जाएंगे सीधा बूटस्ट्रैप, गेट बूटस्ट्रैप पे, ठीक है? हम यहाँ लिखेंगे मॉडल, MOD मॉडल, ठीक है? मॉडल के अंदर हम लॉन्च मॉडल, ठीक है, ये चीज़ करनी है लेकिन सेंटर्ड करनी है, ठीक है? सेंटर के लिए कुछ था स्क्रॉलिंग? नहीं, ये नहीं, ये वर्टिकली सेंटर्ड दिस वन, ठीक है, ये वाला उठा लेते हैं हम। एंड इसने कैसे किया, इसने एक बटन बना दिया एंड देन उसके नीचे इसने मॉडल बना दिया। तो हम पूरे को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, एंड हम इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। एंड अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है? ये मॉडल हो गया, मॉडल को छोड़ो। अब इस लिंक में एंड इस लिंक में देखो, ठीक है, इसने टाइप बटन दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि देखो एंकर टैग में टाइप बटन काम करता है। अब ध्यान से देखना, जो भी मॉडल देखो कौन सा मॉडल चालू करना है उसके लिए तुम्हें आईडी देनी पड़ती है मॉडल की, ठीक है? ध्यान से देखना, इसको बूटस्ट्रैप है, ये मॉडल है, मॉडल का डिव है, मॉडल के डिव के अंदर तुमने आईडी दी एग्जाम्पल मॉडल सेंटर, ठीक है? एंड जो बटन है, जिस बटन से लॉन्च करना है तुम्हें, तुम्हें उस बटन का टॉगल देना पड़ेगा, डेटा टॉगल, सॉरी डेटा टारगेट, डेटा टारगेट। कौन सा डिव टारगेट करना है तुम्हें, तुम्हें ये वाला डिव टारगेट करना। तो तुम इसके अंदर इसका ये दोगे, ठीक है? अब क्या होगा अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, इसको सेव करने दो, ठीक है? एंड ये देखो, रीलोड करो पेज को, लॉन्च मॉडल ओपन करूँगा, नहीं हो रहा, वो गलत बात है, क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, चलो ये मॉडलिंग चालू नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा कोई उठा लेते हैं जो कि चालू हो पाए। पता नहीं क्या अजीब अजीब से एरर आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता अपने को। बाहर कहीं लिखूं तब चालू होगा क्या? ये अभी भी चालू नहीं हो रहा, क्या बूटस्ट्रैप ने हमें फेल कर दिया? ये क्यों हो रहा, बॉटल ट्रिगर मॉडल, ये क्यों ऐसा लाइट लाइट चल रहा है, कोई दिक्कत है क्या कहीं? ये देखो, ये रही दिक्कत। अब देखते हैं, अभी भी नहीं हो रहा, मॉडल चालू नहीं हो रहा। किसी को कोई आइडिया है क्यों नहीं हो रहा? सर आपने बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन यूज किया था? भाई लेटेस्ट यूज क्या होगा ये वाला? ओ तो फोर ये पॉइंट ओ वर्जन चल रहा है भाई फोर ये, ओहो 4.0 है भाई ये, हमने तो 6.7 यूज किया हुआ है। लेटेस्ट कौन सा है, 5.0? ये कैसे हो गया? हमने 4.0 ही आना चाहिए था।
डॉक्यूमेंटेशन से हमने हम गलत डॉक्यूमेंटेशन से कुछ कुछ गलत गलत चीज़ें देख रहे थे। ये वाला भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता इसमें हो जाए। हाँ चल रहा है, ठीक है चल रहा है। वो क्या हुआ था हमसे गलती से, पता नहीं किसी किसी वजह से ये 4.0 वाला चालू हो गया था। पता नहीं कौन सी लिंक चालू की थी मैंने। अगर वो गूगल पे सर्च करते तो वो कभी कभी फोर वाले पे हाँ रिवाइव देखो करते। 4 वाले पे थे हम यहाँ पे, लेकिन हमें लेटेस्ट वाला चाहिए था, हमें 5 वाला चाहिए था, तो डैट्स वाई वो दिक्कत कर गया। ठीक है लेटेस्ट बूट्स, अगर मैं सीधा बूटस्ट्रैप लिखूंगा तब वो लेटेस्ट वाला देगा मुझे। ये रख बूटस्ट्रैप 5, डॉक्स दिखाओ उसके, बूटस्ट्रैप 5 वाला। ठीक है तो ये चल रहा है बेसिकली। तो एक बार हम सेंटर्ड कर लेते, सेंटर कराया मैं वो भूल गया मॉड डाल, सेंटर का कौन सा वाला कैसा आता था सेंटर में। कितना बढ़िया यार, देखो सिंगल मॉडल टाइटल मॉडल, ये डायलॉग डायलॉग मॉडल सेंटर, ये चाहिए मुझे सिर्फ। ठीक है हम जाएंगे हम यहाँ पर, इधर डायलॉग के आगे लिख देंगे मॉडल डायलॉग सेंटर, है ना, मॉडल डायलॉग के आगे मॉडल डायलॉग सेंटर लिख देंगे। पेज पे आएंगे, रिलोड करेंगे पेज को, देखोगे सेंटर में आ गया। ठीक है अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, मैं दो मॉडल बनाता हूँ। ध्यान से देखना ये बूटस्ट्रैप का मॉडल काम कैसे करता है। ठीक है दो मॉडल बनाऊँगा, ठीक है एक मॉडल 1 एक मॉडल 2। ये देखो इसके नीचे मैंने मॉडल 2 कॉपी कर दिया, ये रहा मॉडल 2, ठीक है मॉडल 2। ठीक है अब क्या होगा, इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका आइडिया है एग्जाम्पल मॉडल 2 कर दिया मैंने इसके आईडी को। ठीक है एंड ये जो पहला वाला है इसका मैंने आईडी कर दिया मॉडल एग्जाम्पल 1। ठीक है अब यहाँ देखना, इधर क्या है डेटा बी एस टॉगल मॉडल, डेटा बी एस टारगेट मॉडल एग्जाम्पल मॉडल, राइट। अगर मैं 1 करता हूँ, एक मिनट को इसके अंदर मैं चेंजेस कर देता हूँ ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ लिख देता हूँ हमें मॉडल 1, ठीक है यहाँ मैं लिखता हूँ मॉडल 2। ठीक है अब क्या होगा, मैंने यहाँ ऊपर ही तो बटन था इसका जो इसको लॉन्च करता था उसका मैंने टारगेट कर दिया अब मॉडल 1। ठीक है अब देखते हैं, अब रीलोड करके देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। देखो कि हमारे पास चालू हुआ मॉडल 1 वाला इसी बटन से। वॉट इफ अगर मैं इसके अंदर बी एस टारगेट कर दूँ मॉडल 2, ठीक है ध्यान से देखना क्या करा है मैंने, मैंने आईडी चेंज किया पूरे मॉडल की। देखो मॉडल मॉडल देखना मॉडल 1 मॉडल 2, मॉडल की आईडी चेंज की है, ये रहा पहला जो डिव है सबसे पहला डिव है जिसके अंदर मॉडल फेड है, ये देखो ये वाला मॉडल 1। ठीक है ये चीज़ अब मैं इसको मॉडल 2 कर चुका हूँ, मैं बटन के अंदर मॉडल 2 हो चुका है। अब देख लेते हैं इसको कि क्या ये मॉडल 2 ओपन करेगा, तुम देखोगे कि ये मॉडल 2 ओपन करेगा, राइट। तो इससे हमें क्या समझ आता है, अगर हम मल्टीपल मॉडल यूज़ कर रहे हैं इसके बूटस्ट्रैप के तो आपको आईडी में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है तो हम वैसे ही कुछ करेंगे। तो एक काम करते हैं मॉडल 1 मॉडल 2 सब हटा देता हूँ क्योंकि अभी मुझे इसका ज़रूरत नहीं है। अभी क्या आ गया लिव, या आ गया बटन 1 बटन 2 आ गया। ठीक है इस पर जैसे क्लिक करेगा बंदा तो एक इमेज आनी चाहिए, राइट। ये हमने कहा था कि जैसे इस पर बंदा क्लिक करेगा तो एक इमेज आनी चाहिए, तो हम ये करते हैं हम इमेज डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम IMG टैग डाल देंगे बढ़िया सा, ठीक है इमेज डाल देंगे एक मोटो को, इसका इमेज फ्लूइड होना चाहिए। इमेज इमेज रिस्पॉन्सिव इमेज इमेज थंबनेल बना देते हैं, ठीक है थंबनेल 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 इमेज थंबनेल बना देते हैं सीधा, इसका क्लास है इमेज थंबनेल। ठीक है ये भी कर सकता है। ओह पिक्चर्स ये क्या सीन है भाई, पिक्चर्स सेलेक्ट मल्टीपल इमेजेस ऑफ अ स्पेसिफिक कांड, इसका एग्जांपल इफ़ यू आर यूजिंग पिक्चर्स एलिमेंट स्पेसिफाई मल्टीपल सोर्स। अच्छा ये वो है अलग चीज़ें, कोई बात नहीं हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपना क्लास। ठीक है एंड हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट इमेज थी यार, कहीं याद है किसी को डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट इमेज नहीं है भाई, कोई बात नहीं हम डिफ़ॉल्ट इमेज दे देते हैं। डिफ़ॉल्ट इमेज लिंक प्लेस होल्डर, ठीक है तो क्या चाहिए मुझे, कोई प्लेस होल्डर दे यार बढ़िया सा। ठीक है तो हम इसको सोर्स दे देंगे एक छोटा सा। ठीक है अरे अरे सर व्हाट द हेल, ओके यहाँ पे ठीक है इसको हम दे देंगे डिफॉल्ट इमेज लिख देंगे। ठीक है एंड इसका हम
दे देते हैं 500, 500 एक्स 500, ठीक है, अभी के लिए ये दे देते हैं, बाकी हम अपना देखते रहेंगे इसको, ठीक है। रीलोड करेंगे पेज को, देखते हैं कैसा आ रहा है ये। पेज रीलोड हो गया। अच्छा, मॉडल 2 मैंने गायब कर दिया, मॉडल 1 है यहाँ पे, ठीक है। रीलोड करेंगे पेज को, पेज पे आएंगे, डिफ़ॉल्ट 1 सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। यहाँ पे हम रख देंगे स्क्रीनशॉट, इसका नाम रख देंगे स्क्रीनशॉट सबमिटेड, स्क्रीनशॉट सबमिटेड इधर, ठीक है, स्क्रीनशॉट सबमिटेड, ठीक है। क्या हो गया भाई, उल्टा ही लिख रहा है सब कुछ। स्क्रीन शॉट सबमिटेड, ठीक है। तो वो स्पेलिंग वगैरह यार तुम लोग खुद चेक कर लेना यार, सॉरी यार। तो बाकी सब सही है, सेव चेंजेस नहीं चाहिए हमें, सिर्फ क्लोज चाहिए, राइट। तो सेव चेंजेस वाला जो बटन है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए वो, है ना, क्योंकि क्या ही करेंगे हम, सिर्फ क्लोज रखेंगे एंड काटा रखेंगे हम, चाहे तो पूरा फोर हटा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए, राइट। हमें बस इसको अब हमें कार्ड में बनाना है ना, इसको हम क्या करते हैं, कंटेनर में डाल देते हैं, कि जो भी मामला आएगा यहाँ पर, इज ऑथेंटिकेटेड एंड इफ, यहाँ पर जो भी मामला आएगा पूरा, ये जो है इसको हम एक कंटेनर में डाल देते हैं, डॉट कंटेनर, कंटेनर लिख दिया मैंने, कंटेनर, तो ये शायद कंटेनर की स्पेलिंग। कार्ड को बंद करेंगे, कार्ड को उठा के इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, सेव करेंगे, रीलोड करेंगे, तो देखो कार्ड छोटा हो गया, लेकिन कार्ड भी गलत है, मैं इसको सही कर दूंगा, इसका जो CSS वगैरह है सब सही कर दूंगा मैं, टेंशन मत लेना कोई भी, ठीक है। अभी के लिए अभी हम क्या करें, अभी हम सिर्फ डेटा डिस्प्ले कराएंगे अपना, ठीक है। तो डेटा डिस्प्ले कराने के लिए हमें एक लिस्ट, हमें एक व्यू बनाना पड़ेगा, राइट। तो पहले हम वो एक व्यू बना लेते हैं, व्यू में जाएंगे, नहीं यूएल्स में आते हैं पहले, तो हम देखते हैं हमारे पास ये इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स हमारे पास बना होना चाहिए एक, तो क्रिएट नहीं चाहिए मुझे, व्यू नहीं चाहिए मुझे, मुझे इंडेक्स चाहिए, राइट, इंडेक्स चाहिए मुझे, ठीक है। अब इंडेक्स के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे, ओके, प्रोजेक्ट मैंने पहले से लिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं सारे प्रोजेक्ट ले लूँगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ प्रो लिस्ट, प्रोजेक्ट लिस्ट, ठीक है, प्रो लिस्ट का मतलब हो गया प्रोजेक्ट लिस्ट, ठीक है। प्रो लिस्ट क्या होनी चाहिए, मेरी मेरी होनी चाहिए प्रो लिस्ट, जैसे हम सारे डेटा कैसे लेते हैं, हम लेते हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से, प्रोजेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स, सारे कितने ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, चाहिए सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोजेक्ट तो मैंने सारे ले लिए, अब क्या करूँगा मैं इसका, अब मैं इसको डालूंगा एक लिस्ट में, ठीक है, पैराम्स में, पैराम्स में, पैराम्स में डालूंगा, पैराम्स इक्वल्स टू, खाली कर दूंगा इसको, इसके अंदर मैं लिखूंगा डेटा डॉट क्या, प्रो लिस्ट, ठीक है, सॉरी दिस वन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमने पैराम्स के अंदर जो भी हमने डेटा उठाया ना, ये डाल दिया, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब हम एक चेक लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे चेक, हम चेक लगाएंगे, लेकिन कहाँ लगाएंगे बताता हूँ, कहाँ लगाएंगे, ठीक है। और वो चेक बड़ा ज़बरदस्त चेक होगा, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को देख के, ठीक है। अब हम ये करना, हम ये जो पैराम्स है हम ये सेंड करेंगे, हमने पैराम सेंड कर दिया, ठीक है। अब ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है उसके अंदर, ठीक है। तो हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, कंटेनर में आ गए, राइट। अब हमें इस कार्ड का मल्टीपल बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम सबको पता है कैसे करते हैं, हम करते हैं फॉर लूप से, फॉर लूप बना दिया मैंने, फॉर डी, डी मतलब डेटा, छोटा डेटा, ठीक है, डी इन डेटा, डेटा कहाँ से आएगा, जो हमने यहाँ पे पैराम्स में भेजा है ना हमने यहाँ पे, अब मुझे इसकी वजह से ज़रूरत है नहीं, व्यूज़ को साइड में खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो जो डेटा मैंने भेजा है ना, इस डेटा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेगा, तो क्या होगा, हर डेटा में जितने भी ऑब्जेक्ट बने होंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है।
तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो जो डी आ रहा है ना उसको इस डेटा में, इस कार्ड में मैप कर दो। ठीक है, अब मैंने इसको मैप तो कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने कार्ड्स बन के आ रहे हैं। ठीक है, कार्ड तुम देखोगे दो कार्ड बन के आ रहे हैं। ठीक है, एंड अगर मैं जाऊँगा एडमिन पे, 127/admin पे जाऊँगा, तो तुम देखोगे प्रोजेक्ट के अंदर कितने प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तुम देखोगे दो प्रोजेक्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कार्ड का जो डेटा है वो काम सही कर रहा है, बस हमें अब डेटा मैप करना है। ठीक है, तो हम एक एक करके चीज़ें मैप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या मैप करेंगे, एक मिनट, काम करते हैं, मॉडल ओपन कर ही लेते हैं यार। ठीक है, मॉडल, अरे कहाँ खुल गया ये, मॉडल हम ओपन कर ही लेते हैं। ठीक है, एंड ये जो है, ये जो, इसको बंद कर देते हैं ताकि हमें पूरा ज़्यादा स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पहले डी डॉट टाइटल, डी डॉट TITLE। ठीक है, याद रखना हमेशा जब भी हमें कोई डेटा डालना हो, शो कराना, तो हम डबल ब्रैकेट्स में कराते हैं जैंगो के अंदर, TITLE। ठीक है, सबमिटेड बाय, सबमिटेड बाय कैसे चाहिए मुझे सबमिटेड बाय, एज अ सबमिटेड बाय ही चाहिए, लेकिन डी डॉट सबमिटेड बाय चाहिए। ठीक है, एंड देन मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए सेक्शन, तो मैं ईयर चाहिए, डी डॉट ईयर कर दूंगा मैं। ठीक है, अब समझ आया मैं उस टाइम पे ऐसा क्यों लिख रहा था। ठीक है, क्योंकि चीज़ें आसान हो जाती हैं कभी कभी, लाइक एक्सपीरियंस से आता है कि आप कैसे टाइम बचा सकते हो। डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डी डॉट डिस्क्रिप्शन कर दिया मैंने यहाँ पे। अब गिट हब लिंक, इसका क्या, इसका है गिट लिंक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें पता चला कि मुझे क्यों उसकी ज़रूरत पड़ रही थी जो मैं ऐसा लिख रहा था, क्यों, क्योंकि बस आलसी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे लाइव लिंक। ठीक है, सर वो HRF में आना चाहिए ना, क्या चीज़, ये लिंक जो आप डाल रहे हो। ओह यस यू आर राइट, यस यू आर राइट, डी लिंक। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको उठा के HRF में डाल देते हैं। ठीक है, हैश उठा दो, एंड ये जो लिंक है GitHub लिंक है, इसको उठा के यहाँ डाल देते हैं, हैश हटा दो। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं GitHub लिंक, GitHub लिंक। ठीक है, एंड यहाँ जो लाइव लिंक में आ गया, नहीं सही लिखा है मैंने। ठीक है, एंड यहाँ लिख देता हूँ लाइव लिंक, लाइव लिंक। ठीक है, ये हमारे नाम है बटन्स के, ना कि लिंक हमें शो करना है। ठीक है, अब ये हो गया, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं सी स्क्रीन शॉट। ठीक है, एंड देन क्या होगा, ये जो मॉडल है इसके अंदर मैं लिखूँगा ये डी डॉट सबमिटेड बाय, कौन सा भी इमेज आएगा उसको मैं कर दूँगा वैसा। ठीक है, अब ये क्या होता है, इमेज को आपको क्या करना पड़ता है, आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है, कैसा, मीडिया स्लैश, ठीक है, यहाँ लिखूँगा मैं डी डॉट सबमिटेड बाय। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, आई होप, मुझे लगता है इसके अंदर मुझे क्लास लगा के इसको डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी, बट अभी के लिए नहीं। रीलोड कर देते हैं पेज को, तो कह रहा है लिंक, लाइव लिंक, क्या कर रहे हो भैया, लाइव लिंक कहाँ करते हैं, मैंने लाइव लिंक में कहाँ क्या करा मैंने, ओके लाइव अंडरस्कोर लिंक। ठीक है, लाइव अंडरस्कोर लिंक, आप कर लेते हैं एक बार रीलोड पेज को। ठीक है, ये सब तो चल रहा है ना, आ गया या भी आ गया, स्क्रीनशॉट देखें तो स्क्रीनशॉट नहीं आया, स्क्रीनशॉट देखा, स्क्रीनशॉट नहीं आया सर, आपने उधर सबमिटेड बाय डाला है, मैंने सबमिटेड बाय डाला है नीचे, हमें यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालना है। ठीक है, अब पेज को रीलोड करेंगे अब हम, मुझे लग रहा है हमने इमेज डाली ही नहीं है मीडिया का के। सर मीडिया में डबल होता है ना, आपने सिर्फ सिंगल सेंड दिया। नहीं भाई, मीडिया में इमेज आ ही नहीं रही, तो मेरे हिसाब से मैंने किसी में भी कोई इमेज डाली नहीं है। देखो इसमें भी चूज फाइल आ रहा है, एंड इसके अंदर भी चूज फाइल आ रहा है। ठीक है, तो ये सीन है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर चेक लगा देते हैं। मैं कह रहा हूँ सर आपने, हाँ क्या क्या बता, जो लग ये यहाँ पे ऐसा, बोल भाई क्या आवाज नहीं आ डबल रही, स्लैश होता है।
कहाँ होता है डबल स्लैश? कहाँ डबल स्लैश है? अरे हर्ष, सुनाई दे रहा है ना, तो एक बार मुझे चैट पे लिख के बता क्या कह रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इफ एल्स लगा देते हैं। इफ डी डॉट स्क्रीन शॉट, अब लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं हम? अच्छा ऐसा, ठीक है भाई, लगा दिया मैंने, सही कह रहा है। अब हमें जैंगो में ये देखना है कि हम लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे अपना गूगल पे, हम लिखेंगे जैंगो टेम्पलेट फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो क्या है, हाउ टू फाइंड स्ट्रिंग इन अ टेम्पलेट विद जैंगो। तो आप कहोगे कि इसने क्या करा, इसने करा स्लाइस इफ लेंथ टाइटल डॉट लेंथ। ठीक है, टाइटल डॉट टाइटल स्लाइस, ये देखो ये यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो हम ये यूज़ करेंगे। कैसा, इफ जैंगो डॉट दिस डॉट लेंथ, ये एट्रीब्यूट ढूंढने के लिए ये स्लैश लेंथ यूज़ करते हैं। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 0, अगर वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का मतलब क्या है कि एक एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन कुछ है उसमें, लाइक तीन चार करेक्टर हैं उसमें। ठीक है, तो ही इमेज दिखाए। ठीक है, तो ही इमेज दिखाए, वरना क्या करे, वरना क्या करे, एल्स क्या करे, कुछ तो करे। नो स्क्रीन शॉट सबमिटेड। ठीक है, पेज पे यहाँ पे जाते हैं, पेज को करते हैं रीलोड, एंड आप देखते हैं कि क्या यहाँ पे आया, नो स्क्रीन शॉट सबमिटेड, यस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अपना एक कोई एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, छोटा सा मासूम सा, जिसके अंदर हम कोई चीज़ ऐड कर देते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया, ठीक है, न्यू ब्लॉग मैंने डाल दिया, ये डाल दिया, एनरोलमेंट नंबर मैंने डाल दिया, ईयर मैंने ये डाल दिया, क्लास मैंने ये डाल दी, गिटहब लिंक मैंने ये डाल दिया, लाइव लिंक मैंने ये डाल दिया, चूज फाइल कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, सबमिट सबमिट कर देते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे इसने भेज दिया प्रोजेक्ट सबमिट क्रिएट, ने कहाँ भेज दिया इसने, कोई बात नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए। यू आर नॉट अलाउड हियर, व्हाट द हेल, लॉग इन नहीं करा क्या? लॉग इन तो है, प्रोजेक्ट बनाओ, देखो आ गया, न्यू ब्लॉग आ गया, स्क्रीनशॉट में आ रहा है नो स्क्रीनशॉट सबमिटेड। क्या, क्यों, व्हाई, आ तो रहा है, डिडंट मैच एनी मीडिया। ओ भाई साहब, हमने ना आधी चीज करी ही नहीं। हम अगर एनपीएम में जाएंगे तो तुम देखोगे कि हमने यूआरएल्स में मीडिया को सेटअप किया ही नहीं। यहाँ पे याद है मीडिया कैसे सेटअप करते थे यस हम, सर, वो लास्ट में, डायरेक्ट है ना, लास्ट लास्ट में, लास्ट में यहाँ पे ऐसा प्लस लगा के स्टैटिक तो से स्टैटिक में क्लियर स्टैटिक कर लिखते देता था। थे, हाँ एंड देन हम यहाँ पे कुछ कुछ करते थे, है ना, तो वो चीज़ हमने करी ही नहीं, इसलिए वो एरर मार रहा है। ठीक है, तो हम पहले वो कर देते हैं, सर, वो हम सेटिंग्स में भी करते ना, मीडिया रूट और वो वो। सेटिंग्स में कर रखा है हमने, सेटिंग्स में मैंने कर दिया था, मैंने यहाँ पे करना भूल गया था, किसी ने मुझे याद भी नहीं दिलाया कि सर आप ये चीज़ भूल गए हो। ठीक है, गलत बात है, ऐसा नहीं करते, याद दिलाना चाहिए तुम लोगों को। एनपीएम के अंदर कहाँ पे देखते, यूआरएल्स में देखते थे। ठीक है भैया, ठीक है, चलो देखो, तो हम दो तीन चीज़ें वो करते हैं, इंपोर्ट करते हैं स्टैटिक के लिए। ठीक है, एक होता है जैंग फ्रॉम फ्रॉम जैंगो डॉट कॉन्फ डॉट कॉन्फ, इम्पोर्ट इम्पोर्ट सेटिंग्स। ठीक है, ये क्या है, ये कौन सी फाइल है जो हम सेटिंग्स कर रहे हैं, ये वाली फाइल है।
ठीक है, इसके अंदर अगर हम नीचे जाएंगे तो तुम देखोगे हमने दो चीज़ें बनाए रखी हैं, एक है बना रखा है मीडिया रूट, मीडिया यूआरएल, हमें ये दोनों चाहिए, तो इसीलिए हम ये वाली फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड देन हम लिखेंगे फ्रॉम जैंगो डॉट कॉन्फ डॉट यू आर एल्स डॉट स्टैटिक। ठीक है, इंपोर्ट कर दो किसको, स्टैटिक को। ठीक है, अब स्टैटिक क्या है, स्टैटिक एक फंक्शन है जो कि तुम यूज़ करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, स्टैटिक के अंदर तुम दो आर्ग्यूमेंट दोगे, एक पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा मीडिया रूट, सेटिंग सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर यू आर एल। ठीक है, दूसरा जो तुम आर्ग्यूमेंट दोगे वो जो तुम दोगे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सॉरी नॉट लाइक दिस, तुम लिखोगे इसको ऐसे डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट इक्वल्स टू, तुम यहाँ पे क्या दोगे, यहाँ पे तुम दोगे सेटिंग्स डॉट अंडर वो दबा के मीडिया अंडरस्कोर रूट। ठीक है, ये तुम ऐसा दोगे, अब क्या होगा, इससे अब तुम्हारा वो चल सकता है। ठीक है, इससे अब तुम्हारा जो देखो मीडिया पता नहीं कहाँ गया है, ये मीडिया डिलीट करो इसको, नहीं चाहिए मुझे ये सब फालतू में, मीडिया एक और बन गया, डिलीट इसको भी डिलीट करेंगे आप। ठीक है, अब ये जो हमारा ये जो पर्टिकुलर बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, नहीं नॉट दिस वन, दिस वन ये अभी हमने नया नया बनाया, हम इसको डिलीट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये अब वो है गलत चीज़ है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक, अब मैं एक नया बनाऊंगा। ठीक है, कहेंगे हमारा पेज क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ठीक है, कुछ लिखो, न्यू ब्लॉग बनाएंगे दोबारा से। ठीक है, कुछ करेंगे, कोई डालेंगे, किसी क्लास में बैठेंगे। ठीक है, कोई लिंक डालेंगे, HTTP स्टैक ओवरफ्लो, कोई लिंक डालेंगे, देखिए कोई फाइल चूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये सही काम करेगा, सबमिट करेंगे पेज को, तो ये क्रिएट प्रोजेक्ट में पहुँचा रहा है, लेकिन अभी भी ये वो नहीं हो रहा, राइट, इसको तो हम सही कर देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे तो तुम्हारे पास दो न्यू ब्लॉग है, पता नहीं फालतू फंड के क्यों, कोई बात नहीं, एक में देख लेंगे नो स्क्रीनशॉट, दूसरे में देखेंगे नो स्क्रीनशॉट, अभी भी स्क्रीनशॉट्स नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रोजेक्ट स्लैश, देखो ये तो आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो सर हमने, हाँ सर लोग बोलो, स्टैटिक लोड भी करते हैं ना, क्या सर लोग स्टैटिक लोड भी करते हैं ना नहीं, ओपन। स्टैटिक लोड नहीं करते यहाँ पे, यहाँ पे स्टैटिक लोड नहीं करते, स्टैटिक जब लोड करते हैं जब आपको स्टैटिक इमेजेस सही होती है, इमेजेस चाहिए होती है जो कि आपके इसमें ओके सेव होती है, ओके। ये हम ऐसा मान रहे हैं कि ये मेरा डेटाबेस है। ठीक है यार, ये गलत गलत मुझे लग रहा है गलत, अच्छा नहीं सही तो है, NPM प्रोजेक्ट सही तो जगह पे लोड हुआ भाई। ठीक है, ये सही जगह पे हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये चल नहीं रहा, किसी बात किसी वजह से नहीं चल रहा। और अपने लास्ट दो वाले ट्राई किए, ऊपर के दो क्लिक ही नहीं किए थे, और क्या वो वेबसाइट वो वेबसाइट क्या, अपने नीचे के दो ट्राई किए, ऊपर के दो नहीं सेक्शन ऊपर के ट्राई दो में किए, तो है ही नहीं ना, याद है मैंने दिखाया तो ऊपर के दो में है ही नहीं, सर वो नए वाले ऊपर लोड हो रहे शायद से, इसके लिए वैसा लगा। ये कह रहा है नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई छोटी मोटी इशू है, ये जो इशू है ना वो है हमारे उसमें हमारे इस वाले लॉजिक में, दिखाता हूँ ये जो हमने बनाया ना ये चीज़, इसमें अगर मैं इसको कमेंट करूँ, ठीक है, एंड इसके नीचे इन तीनों को कमेंट करूँ, ठीक है, अब देखना ये चलना चाहिए। तो इस पेज को रीलोड करता हूँ मैं, अब मैं आता हूँ इस न्यू पे, तो नहीं आया, अभी भी नहीं आया, तो एक बार देख लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, स्क्रीनशॉट नो स्क्रीनशॉट सबमिटेड, ये आ ही नहीं रहा भाई, क्या सीन है ये, एक काम करते हैं हम पहले तो ये डी डॉट स्क्रीन शॉट है ना इसको वो करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं, देखे तो आ भी रहा या नहीं आ रहा। ठीक
ठीक है। आ ही नहीं रहा भाई ये स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शॉट ठीक है, स्क्रीन शॉट आ रहा है यहाँ पे, हम सबमिट करा रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हम कहाँ पे डाल रहे हैं स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट में हम डाल रहे हैं स्क्रीन शॉट, ठीक है। डी डॉट स्क्रीन शॉट नहीं आ रहा है यहाँ पे किसी वजह से, वो वजह मुझे लग रही है कि वो हमें रन सर्वर करके ही पता चलेगी दोबारा रीस्टार्ट करके, क्या पता वो कि किसी वजह से एरर आ रहा हो। स्क्रीनशॉट डी डॉट स्क्रीनशॉट, पेज को रीलोड करेंगे भाई, कुछ लिखा ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके 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 सीन समझ गया मैं, क्या सीन है, सीन है मॉडल का, ठीक है, सीन है मॉडल का। अब मॉडल ने क्या करा, मॉडल ने फॉर लूप ने सारे मॉडल बना दिए राइट, एंड मॉडल के अंदर सबके जो एरिया हैं, सबके जो ये हैं एग्जांपल, ये सबके ये वन है राइट। हमें ये नहीं करना, हमें ऐसा कुछ करना है, अंडरस्कोर हम यहाँ पे डाल देंगे क्या, डी डॉट आई डी, ठीक है। क्या कहाँ डाल रहा हूँ मैं, टारगेट पे डाल रहा हूँ ठीक है। एंड ये जो मैंने टारगेट दिया है मैं यही देना चाहूँगा यहाँ पे अंडरस्कोर ये, ठीक है। एंड यही जो यहाँ पे है इसके तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही डाल देता हूँ खुशी में। ये जो अंडरस्कोर लेबल है ये भी मैं सेम कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि बस कर देता हूँ ठीक है। अब देखो अब मस्त चलेगा इस ज़बरदस्त तरीके से, मैं फालतू में परेशान हो रहा हूँ क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। ये ठीक है, ये भी ऐसे आना चाहिए, देखो यहाँ पे इमेज आ गई, यहाँ पे इमेज आ गई है ना, सही हो गया ना, भी बढ़िया एकदम। तो सीन क्या हुआ, याद है मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर जॉन से चलाओगे वही आएगा, तो क्या हुआ, सबसे पहला वाला जो था इसने ले लिया ठीक है, सबसे पहला वाला एम्प्टी था है ना, तो ये एम्प्टी ही दिखा रहा था हर उसमें, क्यों, क्योंकि ये वाला दबाऊँ तब भी ये इसी वाले को रेंडर कर रहा था ठीक है। तो ये हमारे साथ इश्यू हुआ था जो हमने अपनी बुद्धि से सॉल्व कर लिया। हमने सॉल्व क्या किया, हमने क्या किया, हमने इनको एक यूनिक आईडी दे दी। यूनिक आईडी कैसे दी, दिखाता हूँ तुम्हें, दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो पहला मॉडल क्या है, पहले मॉडल का तुम देखना अंडरस्कोर वन है ठीक है। दूसरा मॉडल दिखाता हूँ तुम्हें, दूसरे मॉडल में देखना क्या है, अंडरस्कोर टू ठीक है। तीसरे मॉडल दिखाता हूँ, तीसरे मॉडल में क्या होगा, अंडरस्कोर फोर है देखो ठीक है। चौथा मॉडल दिखाता हूँ, ये इसमें क्या अंडरस्कोर फाइव है, समझ रहे हो क्या सीन हुआ। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया बड़ी बुद्धि से ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमने पहले छोटा सा मासूम सा लॉजिक बनाया था ये वाला, इसको अनकमेंट कर देंगे ठीक है। एंड हम इसको बिना किसी दिक्कत के अब यूज़ कर सकते हैं, देखना ठीक है, इसको साफ़ कर लेता हूँ मैं, रिलोड करूँगा ठीक है। तो क्या आ रहा है, नो स्क्रीन शॉट सबमिटेड, इधर दिखाता हूँ तो क्या है, स्क्रीन शॉट सबमिटेड, यस वी डिड इट ठीक है। तो क्या हुआ, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ऐसा ऐसा बन गया। अब क्या हुआ, लिस्टिंग बन गई हमारी पेज की है ना, गिटहब लिंक। अब हमें क्या करना है, सेम चीज़ गिटहब लिंक के साथ करने की, अगर गिटहब लिंक है तो ही दिखाए, लाइव लिंक है तो ही दिखाए। एंड हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं इसके अंदर स्क्रीन शॉट ने बटन आए ही ना स्क्रीन शॉट का ठीक है, स्क्रीन शॉट का बटन आए ही ना यहाँ पे, आए ही ना यहाँ पे ठीक है। तो हम यही करेंगे, अपना पेज पे आते हैं ठीक है, एंड हम यहाँ पे लगा देते हैं गिटहब लिंक के आसपास ठीक है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इफ एल्स लगा देते हैं ठीक है, इफ एल्स लगा देते हैं, इफ एल्स डी डॉट गेट अंडरस्कोर लिंक, ये जो चीज़ थी कांगी, जो अभी हमने यहाँ पे बनाई कहीं थी, यहाँ पे बनाई थी ठीक है, ये जो चीज़ थी इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर ये एग्जिस्ट, मतलब अगर इसकी जो लेंथ है वो बड़ी है ठीक है, ये ठीक है, तो ही कुछ करे ठीक है, वरना कुछ, वरना की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ठीक है। एक लिंक के लिए हमने बना दिया, एक हमने स्क्रीनशॉट के लिए बना दिया ठीक है, एक हमने लाइव लिंक के लिए बनाया ठीक है, एक हम बनाएंगे स्क्रीनशॉट के लिए ठीक है। तो हम पहले जो स्क्रीनशॉट वाला था ये कॉपी कर लेते हैं ठीक है, एंड हम ऊपर पेस्ट कर देते हैं, कोई इशू नहीं आना चाहिए हमें किसी भी प्रकार का ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे गेट वाले में रखेंगे ये रहा ठीक है, लाइव लिंक को उठाएंगे लाइव लिंक वाले में रखेंगे, एंड ये जो बटन है इसको उठाएंगे
यहाँ रखेंगे एंड ये जो हमने एक्स्ट्रा बटन बनाया है इसको हटा देंगे हम, ठीक है, हमें ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, बल्कि मैं क्या करता हूँ, ये जो डिव है मैं ये चीज़ भी इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, मैं ये चीज़ भी इसके अंदर डाल देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की, ठीक है। मडाल वडाल सब हटाओ, इससे क्या होगा, हमारे एक तो चीज़ें कम रेंडर होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं रीलोड करके, अब देखो यहाँ पे सिर्फ गिटहब लिंक आया, गिटहब लिंक आया, बाकी चीज़ें गायब हो गई है ना, स्क्रीनशॉट आया, स्क्रीनशॉट आया, जिसके अंदर स्क्रीनशॉट आया, लाइव लिंक हमने एक की भी नहीं डाली, लाइव लिंक हमने यार डाली तो है, नई वाली की भी डाली है हमने, लाइव लिंक आ के नहीं रही, लाइव लिंक देख लेते हैं, लाइव लिंक खाली आ रहा है यार, कुछ हमने गड़बड़ कर दी क्या हमने व्यूज़ बनाने में अपने। बंद करो इसे, बंद करो इसे, व्यूज़ कहाँ है, व्यूज़ इधर है, क्रिएट व्यू, अच्छा ये तो ये लाइव लिंक, एंड हमने यहाँ पे गेट लिंक, लाइव लिंक इफ नॉट लेंथ इज ग्रेटर देन दिस एल्स नन, तो ये हमेशा एल्स नन तो नहीं जा रहा, अरे हटाओ इसको, यहाँ पे हम सीधा लाइव लिंक लिखेंगे एंड ऊपर हम यहाँ पे डाल देते हैं, इधर ही के डाल देते हैं कि अगर रिक्वेस्ट डॉट ये है, लेंथ तो आ नहीं रही है, नन आ रहा है, तो इज नन कर दें इसको, नॉट लाइव अंडरस्कोर लिंक, काम करते हैं अभी, इस अभी के लिए चेक करते हैं ना इसको, रुको पहले, रुको रुको रुको, ये सॉल्व करते हैं अभी, पहले हम जो हम जिस पे काम कर रहे हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, धीरे धीरे एक स्टेप एक बार में, ठीक है। अब हम ये करना, अब हमें इसको डिज़ाइन करना है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। अब हम इसको डिज़ाइन कर देते हैं, सबसे पहले जो डिज़ाइन मैं करना चाहूँगा वो मैं करना चाहूँगा कार्ड की, ठीक है, कार्ड 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 ब्लॉक, ठीक है, इसकी। तो डिज़ाइनिंग कैसे करूँगा मैं, सबसे पहले तो इसके अंदर पैडिंग दूंगा मैं, पैडिंग पैडिंग दूंगा मैं 25 पिक्सल, 25 पिक्सल, ठीक है, 25 पिक्सल मिल गई, बढ़िया एकदम, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं क्या दूंगा, मैं इसके अंदर मार्जिन बॉटम, मार्जिन दूंगा टॉप एंड बॉटम में, टॉप एंड बॉटम में दूंगा 5 पिक्सल, ठीक है, क्योंकि 5 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। एंड मैं लेफ्ट एंड राइट में दूंगा 0 पिक्सल, ठीक है, तो ऊपर नीचे 5 पिक्सल आ गया, 5 पिक्सल वैसे खैर टोटल मिला के ऊपर का 5 एंड नीचे का 5 10 हो जाना चाहिए, बट मुझे 5 कम लगा है तो 10 पिक्सल देना पड़ेगा, ठीक है, 10 पिक्सल कर दिया मैंने। ओके ओके, ये तो अभी हो जाएगा सही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, 10 पिक्सल सही है। तो एंड यहाँ पे मुझे कुछ देना है, यहाँ पे मुझे कुछ देना है, ये सब मैं कर दूँगा, ठीक है। पहले तो यही चीज़ उठा लो, कॉपी कर लो एंड अपने कोड पे चले जाओ, यहाँ पे इधर ये जो स्क्रीनशॉट कंटेनर बनाया है इसको मैं लिख देता हूँ कस्टम डैश लिस्ट, ठीक है, सेव कर देते हैं। ऊपर हमने कहीं CSS ब्लॉक बनाया होगा, CSS ब्लॉक के अंदर हम लिख देते हैं अपनी कस्टम ब्लॉक, CUSTOM कस्टम डैश लिस्ट, ठीक है, इसको हम स्टाइल कुछ ऐसा देने वाले हैं, ठीक है, कस्टम लिस्ट ही है ना यहाँ पे, सब नहीं चाहिए मुझे, कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट चाहिए, स्पेलिंग तो सही है, ठीक है, ये बना दिया हमने। अब हम क्या करना है, हाँ ठीक है, कस्टम लिस्ट के अंदर जो तुम्हारा कार्ड है मुझे उसको चेंज करना है, ठीक है, एंड ऐसे कार्ड चेंज होगा, डॉट कार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। रीलोड करेंगे पेज को तो सब बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसको ठीक करना है, ये सब ठीक है, मुझे इसको कुछ कुछ डिज़ाइनिंग देनी है यार, कोई ऐसा दिक्कत तो लग नहीं रही इसमें। 1A है ना, देखो एडमिन बाय 1A, रोहन बाय 1A, रोहन बाय 1A, ठीक है, बाय नहीं ऑफ, ऑफ आना चाहिए यहाँ पे, ऑफ, बल्कि ऐसा भी नहीं, रोहन कॉमा 1A, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, ये सब सही है, ठीक, कॉमा 1A, ये जो स्पेस है ये हटा देता हूँ, स्पेस फालतू की स्पेस लग रही है, ठीक
ठीक है, 1A 1A 1 2B वगैरह सब सही है। ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट वगैरह तो भी सही है ना, फॉर्म ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। स्क्रीनशॉट एंड गिटहब लिंक इसके ना देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये जो बटन है ये, यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं, कैसी क्लास, btn-ptn- प्राइमरी। ठीक है, एंड हम देंगे एक me2 mx-2, ये दे देते हैं, mx-2 दे देते हैं। ठीक है, एंड सेम चीज़ हम देंगे लिंक को, ठीक है, लाइव लिंक को, एंड यहाँ पे हम दे देंगे सेम चीज़ इसको, अब तो है ही, तो हमें सिर्फ इसके अंदर कार्ड लिंक देना है, कार्ड डैश लिंक, पता नहीं क्यों दे रहा हूँ, ज़रूरत तो है नहीं इसकी, बट फिर भी दे देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। mx-2 सेव करेंगे, रीलोड करेंगे पेज को, तुम कुछ कुछ ऐसा ऐसा दिख चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें इस प्रकार से दिख रही हैं, किसने सबमिटेड किया है, इसने क्या डिस्क्रिप्शन है इसका, ठीक है, ये गिटहब लिंक क्या है, ये क्या है, लाइव लिंक होगी तो लाइव लिंक आ जाएगी, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कुछ हेडिंग वगैरह डालनी है एंड यहाँ नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन डालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा गूगल सर्च करते हैं, हम सबसे पहले आते हैं अपने यहाँ पे गेट, नहीं गूगल फॉन्ट पे, गूगल फॉन्ट पे जाएंगे हम, एंड हम क्या करेंगे, हम क्या सर्च करेंगे, कोई बढ़िया सा फॉन्ट बताओ, मॉन्सेरात, ग्लोरी, उबंटू, यार मेरीवेदर अच्छा लग रहा है एक, तो ये ऐड कर लेंगे। हाँ बोल मिहिर, मिहिर कुछ बोल रहा था तू, नहीं शायद नहीं कर सकते। मेरी वेदर ठीक लग रहा है, और वैसे फ़र्क पता चलता नहीं है इतना, सब कुछ सेम जैसे ही लग रहा है। एक हमारा जो फेवरेट है हम वो डाल लेंगे, पॉपिंस, तब एकदम फेवरेट। सर बल्लू भाई करके भी है क्या? ठीक बल्लू भाई भी है क्या, कैसा, अच्छा है है, बल्लू, बल्लू से आया नहीं भाई, BALOO, एल बल्लो, BALOO, ओके सर बल्लू, सिंगल एल, सिंगल एल, बल्लू एक टाइप, एक टाइप भाई, ये तो पूरा हिंदी है, बल्लू तम्मा, बल्लू दा, बल्लू तम्मा आदू, क्या है भाई ये, बल्लू थम भी टू अच्छा लग रहा है, ये देखो इसका ये अच्छा लग रहा है, 700 सेमी बोल्ड नॉर्मल ले लेते हैं, बाकी बोल्ड वोल्ड तो हम खुद कर लेंगे। ठीक है ओके, तो ये तीन उठा लिया मैंने, मुझे आई गेस बल्लू ज़्यादा सही लग रहा है बाकियों से, रिमूव कर देता हूँ मैं, रिमूव ऑल, इसके अंदर भी मैं रिमूव ऑल करता हूँ, सिर्फ बल्लू वाला रखता हूँ। ठीक है, बल्लू वाला उठा के मैं सीधा अपना उसमें पेस्ट कर दूँगा, कहाँ पे, हमने ये क्रेड बनाया था ना, बेसिक बनाया था है ना, तो बेसिक के अंदर अपना यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ कहीं कहीं भी पेस्ट कर देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड हमने एक और जगह पे बनाया था ये, कहाँ पे बनाया था, हमने हेल्पर के अंदर भी बनाई थी ये फाइल, हम उसके अंदर भी पेस्ट कर देंगे ताकि हम यूज़ करें तो आराम से यूज़ कर पाए उसको। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक हमने npm में और बनाया था npm में मेंबर्स में, नॉट वो कहाँ था हमारा, होम में था है ना, होम के अंदर बेसिक होगा, उसके अंदर भी हम ये चीज़ ऐड कर देते हैं। ठीक है, बना दिया हमने, तो बेसिक बंद करो, बेसिक बंद करो, बेसिक बंद करो, अब हमें सीधा बल्लू भाई यूज़ करना है ना, तो इंडेक्स ओपन करते हैं, एंड हम क्या करते हैं, ये ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा, मैं हर चीज़ का फॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं करूँगा स्टार, स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग, सबकी फॉन्ट फैमिली ये हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं हम अब हमारे ऐप में क्या क्या चेंजेस आए, रीलोड करेंगे पेज को, तुम देखोगे ये कुछ बल्लू भाई बन गया, राइट। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये वाले टैग्स हैं ये सारे बोल्ड हो जाएँ, बाकी सही है, बाकी ये वाले कैपिटलाइज हो जाए पहला लेटर, ठीक है, एंड ये जो है ये भी कैपिटलाइज हो जाए पहला लेटर, ठीक है, नीचे वाले, तो मैं इनको कर देता हूँ कैसे, ध्यान से देखना,
कार्ड के अंदर पहले हम कार्ड को देखते हैं क्या क्या है हमारे पास है। एक H4, ठीक है, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लिया, तो मैं H2 कर दूंगा, बोल्ड हो जाएगा भाई वो अपने आप ही। ठीक है देखो बोल्ड हो गया, बल्कि H1 करूँगा तो और बोल्ड हो जाएगा, देखो बोल्ड भी हो गया ये। ठीक है एंड जो यहाँ है इसके नीचे, इसको H6 की जगह मैं कर दूंगा H4, तो ये भी बड़ा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, रीलोड कर देते हैं तो ये भी ठीक है। एंड इसके नीचे पैराग्राफ टैग है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अब मुझे क्या करना है, मुझे बस चीज़ें चेक करनी है कुछ, जैसे कि ये मुझे इसका पहला लेटर लेटर हमेशा कैपिटल रखना है। ठीक है अब कैपिटल के लिए क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है H1 टाइटल टैग, ठीक है तो मुझे सबका पहला लेटर कैपिटल करना है। ठीक है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा डॉट कस्टम कस्टम डैश लिस्ट डॉट ये, ठीक है लिस्ट को ठीक है लिस्ट, मुझे एक तो इसका करना है कैपिटल लेटर, ठीक है मुझे और किस किस करना है मैं उन सबको एक ही उसमें डाल दूँगा। ठीक है मुझे एक और, मुझे दो और का करना है। ठीक है वो दो और कौन कौन से हैं, वो एक है सब टाइटल कार्ड डैश सब टाइटल, ठीक है तो यहाँ डाल देता हूँ मैं कार्ड सब टाइटल। ठीक है एक चीज़ का और करना है, वो है डिस्क्रिप्शन, इधर पैराग्राफ टैग्स का जो था ये रहा कार्ड टेक्स्ट, तो इसका मुझे कार्ड वो फॉन्ट चेंज करना है। एंड बल्कि इसका तो मुझे और भी चीज़ें करनी है, ठीक है ये रहा। तो अब मुझे क्या करना है, इनका सबसे पहला वाला वो करना है ना, तो मैं करूँगा टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म। ठीक है अब क्या होता है इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, दिखाता हूँ मैं तुम्हें क्या होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म CSS दिखाता हूँ, लोअर केस कैपिटलाइज ये देख लेते हैं। तो क्या होगा कैपिटलाइज से क्या होगा, हर वर्ड पहला हो गया, लोअर केस से सारी चीज़ें छोटी हो गई एंड वो हो गया, तो हमें कैपिटलाइज यूज़ करना है। ठीक है तो हम कैपिटलाइज यूज़ कर लेंगे, क्या दिक्कत है, मैं पूरा यूज़ करेंगे ना काम ये रहा। ठीक है हम जाएंगे अपने पेज पे, हम सीधा लिखेंगे भैया ये चीज़, पेज पे आएंगे अपने अपने पेज पे आएंगे, रीलोड करेंगे तो देखोगे हर चीज़ का एक पहला लेटर बढ़िया हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है एंड वो सही है। ठीक है ठीक है तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्म वॉर्म बन गया, गिटहब लिंक सही चल रही है, बस लिंक हमारी ख़राब है वो हम कर लेंगे। अब हमें चाहिए हेडिंग्स, ठीक है तो हम हेडिंग्स बना देते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे कंटेनर के अंदर घुसेंगे सबसे पहले, तो हम कंटेनर का है हमारा जरा कंटेनर, कंटेनर के अंदर हम घुसेंगे। ठीक है एंड हम सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे H1 बनाएंगे। ठीक है जिसका मैं वही रखता हूँ, सब चीज़ों का तो वो पहले से ही बल्लू भाई हो गया होगा। ठीक है एंड क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट नहीं कुछ ऐसे लिखेंगे प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स लिख देंगे सीधा। क्या नाम है इसका, तुम्हारे ठाकुर पॉलिटेक्निक ने ना ठाकुर पॉलीटेक स्पेलिंग होता है ना पॉलीटेक की, POLI POLY पॉली टेक निकल NIC टेक निक ऐसा ठाकुर पॉलिटेक्निक प्रोजेक्ट्स। ठीक है तो हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है रीलोड कर देते हैं हम एंड ठाकुर पॉलिटेक्निक हो गया, इसके अंदर हमें पैडिंग देना पड़ेगा एक, तो हम क्या करेंगे हम कहीं से क्लास कॉपी कर लेते हैं कोई। ठीक है एंड हम उसके अंदर चेंज कर देंगे, क्या करेंगे हम यहाँ कर देंगे मार्जिन डैश 1 करके देख लेते हैं, क्या पता मार्जिन 1 से अच्छी मार्जिन आ जाए, ऐसा कोई फ़र्क पड़ा नहीं, तो हम इसको 3-4 करके देख लेते हैं, क्या पता अच्छी मार्जिन आ जाए, आ गई लेकिन लेफ्ट मार्जिन नहीं चाहिए मुझे। ठीक है ये देखो यहाँ पे मुझे मार्जिन नहीं चाहिए वैसे, तो मैं इसको हटा देता हूँ। कैसे हटाऊँगा, मैंने मार्जिन 4 चारों तरफ दे दिया, मैं कहूँगा मार्जिन लेफ्ट डैश 0। ठीक है इससे क्या होगा, दो प्रॉपर्टी आ जाएंगी, एक होगा मार्जिन हर तरफ एंड एक हो जाएगा मार्जिन लेफ्ट 0, जो कि मार्जिन लेफ्ट 0 चला ही नहीं, मार्जिन लेफ्ट 0 नहीं चलेगा तो क्या चलेगा। हाँ सर जब भी मैं भी ऐसा सिर्फ मार्जिन लेफ्ट देता हूँ ना तो कभी काम करता ही नहीं। मार्जिन लेफ्ट डैश 1, अच्छा मार्जिन लेफ्ट काम ही नहीं कर रहा ब्रो,
मार्जिन लेफ्ट शायद है ही नहीं, मार्जिन कुछ और होगा उसका नाम, मार्जिन बैटिंग, मार्जिन ई फॉर राइट, एम एस होगा फिर मार्जिन स्टार्ट होगा, दिखाता हूँ देखो, मार्जिन पैडिंग स्पेसिंग ये देखते हैं, मार्जिन एस फॉर स्टार्ट, ठीक है। अब देखो इसके ना इन्होंने मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट सब खत्म कर दिया, इन्होंने मार्जिन स्टार्ट एंड मार्जिन एंड कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो हम कर रहे थे, मार्जिन डैश फोर एंड हम करेंगे मार्जिन स्टार्ट डैश ज़ीरो, ठीक है। अब देखना अब सही काम करेगा, ये रीलोड करोगे तो ये आ गया, ठीक है। तो पॉलिटिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एंड पॉलिटिक का पी हमने छोटा रखा है, हम इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, सेव कर देंगे। अरे अभी भी छोटा ही है भाई, क्या सीन, सही है, ठीक है। तो पेज को रीलोड कर देंगे तो अपना सही लग रहा है, ठीक है, ठाकुर पॉलिटेक, ये सही लग रहा है। अब हमें क्रिएट प्रोजेक्ट का बनाना है ना, क्रिएट प्रोजेक्ट का अब हमें कुछ करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मजाक किया था यहाँ पे, ये वाला यूज़र वाला, ठीक है, उसको उठाएंगे एंड हम डाल देंगे हमें ठाकुर पॉलिटेक के नीचे एक कॉल में, जिसके अंदर मैं एक बनाऊंगा, नहीं डैश रो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं एक डॉट डॉट कॉल बनाऊंगा, ठीक है, कॉल डैश 12 बनाऊंगा, ठीक है, एंड उसके अंदर मैं ये चीज़ डाल दूंगा। अब क्या करूँगा, इसको हम बढ़िया करके एकदम वो करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना btn, वो क्लास बनाएंगे हम सबसे पहले हम, ठीक है, क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर हम रखेंगे, क्या रखेंगे, btn, फिर रखेंगे btn डैश, ये क्या है, वो है ना प्रोजेक्ट है ना, तो हम इसको प्राइमरी रखते हैं, प्राइमरी, क्योंकि हमारा जो कोड चल रहा है वो चल रहा है कि ब्लू हम रखेंगे जब कोई चीज़ एक्टिव होगी, राइट, एंड हम क्या करेंगे, एंड देन एल्स, अगर ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो हम इसको एंकर वो बना देंगे, एंकर टैग बना देंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम रखेंगे अपना वही क्लास रखते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्लास का कलर चेंज कर देंगे, क्लास का हम कलर कर देंगे btn डैश सेकेंडरी, ठीक है। प्लीज़ लॉग इन ब्रो की जगह हम लिखेंगे क्लिक हेयर, नहीं, यू नीड टू लॉग इन फॉर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो अब सीन क्या है, ये ना इतना बड़ा नाम हम देंगे नहीं, तो हम इसको हटा ही देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, देखा ध्यान से देखना, अभी एक बार लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है, लॉग आउट कर देता हूँ, फिर देख लेते हैं, प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, यह ख़त्म हुआ पड़ा यार, इसको यू नीड टू लॉग इन फॉर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या करूँगा मैं, क्रिएट की स्पेलिंग सबसे पहले ठीक करूँगा, create क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, यू नीड टू लॉग इन, ओके। अब यहाँ देखो, अब मैं इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, कि कुछ चीज़ें हैं जो सुंदर लगती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो शायद नहीं लगती, शायद किसी को अच्छी लगे किसी को अच्छी ना लगे, मुझे अच्छी लगती हैं पता नहीं, तुम्हारे ऊपर है, तुम देख लो, तुम अपने हिसाब से करते रहना, ठीक है। मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, यू नीड टू लॉग इन फॉर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, फॉर नहीं होता, टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यू नीड टू लॉग इन टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। अब क्या होगा, हमने कर दिया राइट, लेकिन अगर बंदा लॉग इन हो पहले से ही होगा, ठीक है, तो लॉग इन कर देता हम, जैसे मान लो मैंने रोहन से लॉग इन कर दिया, ठीक है, एंड मैंने इसका पासवर्ड वही लिखा जो हमने पासवर्ड डाला था, ठीक है, ओके, लॉग इन सक्सेसफुल, वट देन वी हैव टू गो हेयर एंड देन वी विल सी क्रिएट अ प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो सही है, क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा एंड देन वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, इसके अलावा हम और कुछ ऐड करना भी चाहें तो भी मेरे हिसाब से कोई ऐसी वो है नहीं कि करना चाहिए हमें इसके अलावा कुछ और ऐड, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने क्रिएट अ प्रोजेक्ट की मिस्टेक्स पे, जो हमने मिस्टेक्स करी है, सबसे पहले जो हमने मिस्टेक की है वो ये करी कि हमने लाइव लिंक को हम ढंग से बना नहीं पाए, ठीक है, एंड हमने टेस्ट भी नहीं किया इसको, तो हम पहले वो ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ये ठीक कर देते हैं, कैसे, ऐसे लाइव लिंक का पहले तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, लाइव लिंक कहाँ है,
ये तो वो है, क्रिएट पेज का है हमारा। npm बंद करो, npm खोलो, सॉरी होम बंद करो, npm बंद करो, प्रोजेक्ट में के अंदर क्रिएट फॉर्म पे आ जाओ, यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं लाइव लिंक। एनरोलमेंट, क्लास, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लाइव लिंक, LIVE LIN K, ठीक है कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है ओके। अब हम आ जाते हैं अपने व्यूज़ में, बंद कर दो इस URLs को, बंद कर दो क्रिएट फॉर्म को, बंद कर दो सेटिंग्स को, बंद कर दो व्यूज़, दोबारा खुला हुआ इसको बंद कर दो, मॉडल को रहने दो, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। व्यूज़ में आ जाते हैं, इंडेक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हम आ जाते हैं क्रिएट, सॉरी क्रिएट पे, ठीक है। लाइव लिंक हमने उठाई, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो लाइव लिंक को प्रिंट करा के देखता हूँ कि आ क्या रहा है यहाँ पे। भाई आ ऐसा आ क्या रहा है यहाँ पे जो कि ये ले ही नहीं रहा लाइव लिंक, ठीक है। अगर हम लाइव लिंक ना दें तो क्या आ रहा है, पहले तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अब रीलोड करेंगे पेज को, कुछ कुछ डालेंगे, ठीक है अभी डाल लेते हैं, क्योंकि हमें टेस्टिंग करने तो हम कुछ भी डेटा डाल सकते हैं, ठीक है ओके। ये तो ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे तो आ गया ये, देखो पेज भी लोड नहीं हो रहा किसी वजह से, वो भी देख लेंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं अपना सर्वर, कहाँ है, यही लग रहा है मुझे, पोस्ट के बाद आना चाहिए बट आया नहीं, तो इसका मतलब खाली आ रहा है, राइट। अगर मैं इसको ऐसा करूँ, ब्रैकेट में डालूँ एंड मैंने यहाँ पे लिख दूँ str लिख दूँ, ठीक है, एंड इसके आगे मेरे ऐसा कुछ लिख दूँ कि हेयर इज योर लिंक, कुछ कुछ ऐसा कुछ कुछ टाइप कर दूँ सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए। अरे भाई साहब क्या कर देता हूँ, ठीक है अपनी सहूलियत के लिए ऐसा कर देता हूँ, ताकि हम देख पाएँ कि चीज़ें काम कर रही हैं तो कैसे कर रही हैं, ठीक है। पेज को रीलोड करेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये डालेंगे, गिटहब डालेंगे एंड सबमिट कर देंगे, तो क्या आएगा अब देखते हैं। हेयर इज योर लिंक एंड देन खाली आया, ठीक है। तो भी काम करता हूँ यहाँ पर, इधर इसको मैं बनाता हूँ str, ठीक है str। अगर str जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो वो लाइव लिंक भेज दें, इफ नॉट ग्रेटर देन 0। अच्छा अगर जो इज नॉट ग्रेटर, अगर ये जो ग्रेटर देन 0 है इधर, अगर ये ऐसा है तो ये लाइव भेज दे, नहीं तो नन कर दे, ठीक है। अब ट्राई करते हैं एक बार, अब हम डाल के ट्राई करेंगे कुछ। हेज और लिंक qq.com आ गया, ठीक है। अब हम जाते हैं अपना एडमिन पे, चेक करते हैं कि ये जो अभी हमने नया लिंक बनाया है क्या ये काम कर रहा है। तो ये बनाया होगा हमने, सबसे पहला वाला बनाया होगा हमने, एंड हम देख ले, देखो आ गया लाइव लिंक, ठीक है। तो लाइव लिंक भी अब चलेगा, खाली करके देख लेंगे, वैसे अब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। एंड चलो ये एरर सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्या रह गया हमारे प्रोजेक्ट में, ये रह गया कि भैया ये यहाँ पे हमें भेज रहा है, यहाँ पे नहीं चाहिए हमें, तो इसका क्या सीन है। रिडायरेक्ट हमने होम पे कर दिया, हमें करना है प्रोजेक्ट पे, रिडायरेक्ट हमें करना है प्रोजेक्ट पे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, दोबारा सबमिट करते हैं फॉर्म को, तो अभी भी क्रिएट सबमिट पे आ रहा है, ऐसा क्यों भाई। ओके रीलोड नहीं किया हमने पेज, इसी वजह से। क्रिएट पे जाएंगे, रीलोड करेंगे पेज को, ठीक है। डालेंगे कुछ कुछ डालेंगे, यहाँ पे भी ये सब डालेंगे, फटाफट डालेंगे चीज़ों को, डालेंगे नहीं डालेंगे तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है। सबमिट करेंगे पेज को, तो अभी भी ये समझ नहीं आ रहा यार, प्रोजेक्ट पे डैश क्रिएट सबमिट पे भेज रहा है ये, हमें क्रिएट सबमिट पे नहीं भेजना, हमें इस पेज पे भेजना है, ठीक है। एल्स एड मैसेज, एल्स सेव के बाद, सेव के बाद, सेव के बाद, सेव के बाद हमें रिटर्न रिडायरेक्ट लगाना चाहिए था जो हमने नहीं लगाया, ठीक है। एंड यहाँ पर इधर एक्सेप्शन एज ई पे कोई एरर आ रहा है,
जिसकी वजह से वो एक्सेप्शन पे जा रहा है एंड एरर आ रहा है, तो हमें यहाँ पे एरर को प्रिंट करा के देखना पड़ेगा कि अगर एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तुम लोग कहोगे तो एरर तुम्हें मुझे दिख कैसे रहा है, क्योंकि देखो ये ना, बताता हूँ मैं क्या बताऊँ क्या हुआ। जब मैं यहाँ पे था, इधर रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट को सही सही कर देता। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने देखा कि ये रिडायरेक्ट रेंडर हुआ, रिडायरेक्ट किधर, क्या ये देखो रिडायरेक्ट हुआ, क्या बात है यार, रेंडर कहाँ है, रेंडर ये रहा, ओके रेंडर मैं यहाँ पे रेंडर कर रहा था, ठीक है। एंड मुझे रेंडर नहीं करना था, मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट करना था, लेकिन एक्सेप्शन के अंदर रेंडर था, तो जिस वजह से वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दे रहा था, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ एरर आ रहा है जिस वजह से ये हो रहा है। दिखाता हूँ मैं तुम्हें, आ रहा होगा 100% आ रहा होगा, कहाँ आ रहा होगा कैसे आ रहा होगा ये नहीं पता, बट आ रहा होगा, आ तो नहीं रहा है, गलती होगी भाई मेरे से, छोड़ो। वो शायद वो स्कोप के बाहर होगा शायद, इसलिए वो एक्सेप्शन प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं लिखा होगा इसलिए वो एक्सेप्शन, वो इस एक्सेप मतलब एक्सेप्शन के बाहर आके उसको प्रिंट कर रहा होगा। खैर जो भी है, अब ये भी शायद सही हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारा नया लिंक है, ये भी आ गया, देखो जहाँ पे लाइव लिंक है वो लाइव लिंक हो रहा है। लाइव लिंक ओपन करें तो qq.com आ रहा है, ओह ये देखो लाइव लिंक ओपन करें तो qq.com आ रहा है, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी। हमें यहाँ पे या तो https लगाना पड़ेगा, ठीक है, या तो हमें इसको ब्लैंक में ओपन करना पड़ेगा बिना किसी उसके, ठीक है। लेकिन अगर हम वो ओपन करें गिटहब लिंक ओपन, तो देखो गिटहब लिंक सही ओपन हो रही है, ठीक है। लेकिन ये जो qq.com है वो सेम पेज पे ओपन कर रहा है, ठीक है। तो हमें उसके आगे https लगाना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम लाइव लिंक पे एंड गिटहब लिंक पे एक एक वो लगाएंगे, एक बड़ी सही वो लगाएंगे, ठीक है, कि अगर ये दोनों चीज़ें पास हो जाएंगी, ठीक है, अगर ये पास हो जाएगा एंड ये पास हो जाएगा, ठीक है, तो क्या करें। बल्कि हमें यहीं पे एल्स लगाना पड़ेगा। देखो क्या इशू क्या आ रहा है, ध्यान से समझो ना इस इशू को। इशू ये आ रहा है कि अगर बंदे ने https नहीं लगाया होगा, ठीक है, तो वो ना उसको एक अलग पेज पे नहीं भेजता, वो ना हमारे यूआरएल के आगे ऐड कर देता है, ठीक है। हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। अगर हम देखो बेसिकली सीन क्या होता है, देखो ध्यान से देखना मेरे दिमाग में क्या चल रहा है अभी, ठीक है। मैंने लिखा google.com, ठीक है, तो अगर मैं google.com लिखूंगा तो google.com सर्च हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं www.google.com लिखूं तब भी सर्च हो जाएगा। अगर मैं https:// ये लिखूँ तब भी सर्च हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों केसेस के को हैंडल करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो क्या सीन है, या तो मैं ऐड कर दूँ आगे कि अगर वो नहीं है तो वो उसको ऐड कर दे, ठीक है। तो वरना मैं क्या करूँ, वरना मैं क्या करूँ कि https को रिप्लेस कर दूँ किसी उससे, लिंक href ओपन लिंक विदआउट https, ये देखते हैं। href, तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं href:index.html और दिस www.this href=:// डॉट डॉट डॉट, ओके //href के आगे //// लगाओगे तो क्या होगा, बाई यूजिंग दिस यू कैन टेल द ब्राउजर दिस इज एक्चुअली अ फुल न्यू लिंक नॉट अ रिलेटिव वन, ठीक है, ये ट्राई करते हैं। बट ये क्या, ये हमारी बाकी लिंक्स को भी परेशान कर सकता है, कर तो सकता है, बट हम एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता हम इस प्रॉब्लम को http उससे ही सॉल्व कर दें, नॉर्मल इससे ही सॉल्व कर दें, ठीक है। तो हम यहाँ पे //// लगा देते हैं, ठीक है। अब एक बार अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं एंड हम क्या करते हैं, हम इसको न्यू टैब पे ओपन करते हैं, इसको न्यू टैब पे ओपन करते हैं,
देखोगे हाउ टू वैलिडेट आ गया एंड पेज नॉट फाउंड। अच्छा ये तो रीलोड नहीं किया, सॉरी यार मैंने पेज ही रीलोड नहीं किया। बंद कर देता हूँ सारी उल्टी सी चीज़ें। अब देखता हूँ लाइव लिंक ओपन करके एंड इसका गिटहब ओपन करके। देखो qqq.com तो चल गया, वो जापनीज साइट चल रही है ठीक है, एंड https अब ये नहीं चला, https ये नहीं चला, अब ये क्यों नहीं चला, चलना चाहिए था। सर उसमें कोलन है क्या? कोलन नहीं है शायद, कोलन तो नहीं है यहाँ पे, ऐसा लगता है ना, कोलन कोलन तो नहीं है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे कोलन लगा दे तो क्या हो जाएगा काम? ये कुछ का कुछ ना हो जाए यार। पहले हम गिटहब लिंक ओपन करते हैं, पेज नॉट फाउंड। देखो ख़राब हो गया सारा मामला, यहाँ नहीं लगा सकते हम, हमें बैक एंड से ही कुछ करना पड़ेगा। चलो भैया एक काम करता है, हम एक स्क्रिप्ट निकालते हैं। सर वो दूसरा वाला भी कोलन हटा दो, उसमें रह गया। हाँ वो मैं हटा दूंगा, हम ना एक स्क्रिप्ट निकालते हैं जो कि करेक्ट करेगा लिंक को ठीक है। तो मैं गूगल पे सर्च करता हूँ जनरलाइज लिंक इन पाइथन। डॉक्यूमेंटेशन एक मिनट को, इफ द लिंक इज रॉन्ग नहीं, एड एच टी पी, एड एच टी टी पी, अरे कहाँ लिख रहा हूँ मैं ठीक है, एड एच टी टी पी एंड www इफ दे आर नॉट इन लिंक पाइथन ठीक है। ये देख लेते हैं, हाउ टू एड एच टी टी पी इफ इट डजेंट एग्जिस्ट। पहले किसी ने पूछ रखा है कि भैया google.com http google.com http, तो यही चीज़ चाहिए हमें। तो इसने क्या किया, ये जावास्क्रिप्ट है क्या? प्री मैच रिटर्न URL, हाँ ये भी जावास्क्रिप्ट है, तो पाइथन में चाहिए हमें ना। ये देखो किसी ने लिखा हुआ है भैया माल फॉर्म डो नॉट, तो माल फॉर्म, अच्छा ये तो वैलिडेशन है यार जो हमने निकाली थी, ये तो नहीं चाहिए हमें। URL lib parse URL into component, what is this? Parse URL into import URL parse, ये सब नहीं चाहिए हमें। embedding add http और www, http add कर देते हैं सिर्फ in a link python। हाउ कैन आई अपेंड दिस इफ इट डजेंट, पाइथन डज हैव इन बिल्ड फंक्शन टू ट्रीट डैट करेक्टली, पी यू आर एल पार्स दिस, क्या लिख रहा है भाई ये सब। तो ये कह रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो, ओ सही में, तो हम एक काम करते हैं हम इसको उठा लेते हैं फिर। कह रहा है कि किरी जस्ट डिड डैट बिकॉज पार्स रिजल्ट इज नेम टपल, यू कैन नॉट एडिट इन प्लेस बट हैव वर्क टू क्रिएट अ न्यू ऑसम, थैंक्स फॉर योर टाइम, आई एम गेटिंग अ सिंटैक्स एरर दिस एल्स और यू कैन मेक इट अ मोर कंपाइल, पता नहीं क्या क्या कंसाइज बाय दिस, आई फाउंड अ इजी टू डिटेक्ट अ प्रोटोकॉल विद रिजेक्ट्स एंड अपेंड इफ इट्स मिसिंग। ये कर लेते हैं भाई, ये भी सही लग रहा है इसका तो, ये तो भाई लड़का तो कमाल है वाला, ये सही है, ये अच्छा वो है, ये मुझे भी समझ आ रहा है ना, ये भी सही है। हम क्या करते हैं, हम व्यूज़ में आते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इस चीज़ को ठीक है। इसने इंपोर्ट री कर रखा है, इंपोर्ट री को मैं ऊपर जाके इम्पोर्ट करूँगा, इम्पोर्ट री, ये क्या वैलिडेटर, किस बात का वैलिडेटर, कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड, शट अप, बैलेंस
ओके 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 ओके, यहाँ पे थे हम। ये जो हमारा यूआरएल है, हम इसको उठा लेते हैं एंड हम इसको बाहर फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि बस ऐसे ही, क्योंकि हम चीज़ों को वो नहीं करना चाह रहे। टेफ, ठीक है, ये बन जाएगा। अगर है तो कर देगा, नहीं तो वो रिटर्न कर देगा उसी को। ठीक है, ये सही है। हम नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पर, इधर। ये क्या है? ये सारा आ जाएगा इफ़ के अंदर, राइट। तो test.com https, ठीक है, ये चीज़ चाहिए मुझे। यूआरएल जो होगा मेरा वो होगा लाइव लिंक इस टाइम पे, है ना। अरे एक्स एक्स दबा रहा हूँ मैं, दीदी से। ठीक है, प्रिंट प्रिंट ये चाहिए मुझे सिर्फ, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा जब ये सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे एंड इधर इधर इफ़ इफ़ वाले में, तो इसके एल्स में मुझे लिखना पड़ेगा कि अगर ये सही है, समझ रहे हो, अगर ये सही है तो ये करना चाहिए। यूआरएल क्या होगा यहाँ पे? यूआरएल ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे होगा यूआरएल गिट लिंक। क्योंकि गिट लिंक ठीक है तो उसको ठीक कर दे, ठीक है। एंड क्या करे, गिट अंडर स्कोर लिंक में डायरेक्टली डाल दे, ठीक है। ये क्या कर रहा हूँ मैं अभी बता देता हूँ, एक बार टेस्ट कर लेंगे। अगर ये काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो हम कुछ और देखेंगे। क्योंकि पहले समझाऊंगा फिर देखूंगा, ओ माय गॉड ये तो गलत है, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो लाइव अंडर स्कोर लिंक कर देते हैं, विच विल बी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। गिट लिंक लाइव लिंक, ठीक है, गिट लिंक लाइव लिंक, ऐसा नहीं, ऐसा फ्रॉम फॉर कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ हम कर देंगे लाइव लिंक, LIVE, ठीक है। तो एक बार हम देख लेंगे अपना प्रिंट करा के, कहाँ गया हमारा प्रिंट? हमने कहीं कराया था ना, इरा। हम प्रिंट करेंगे अपने लाइव लिंक को। इनमें से अगर दोनों में से एक भी सही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कूल 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 कूल। प्रोजेक्ट पे जाओ, रीलोड करो पेज को अपना। यहाँ पे आओ, क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे आओ, ठीक है। कुछ बनाओ, कुछ डालो, कुछ करो, कुछ लिखो, किसी क्लास में बैठो, कोई लिंक डालो, कोई लिंक डालो, सबमिट करो, ठीक है। यहाँ पे तो आ गया, लेकिन लिंक क्या आ रहा है? लिंक आ रहा है HTTP है, ठीक है, लिंक आ रहा है HTTP, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही तो है। अब मुझे यहाँ पे HTTP नहीं, मुझे चाहिए HTTPS, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिक्योर लिंक होगा ऑब्वियसली, अगर तुम किसी बड़े उससे बनाओगे तो सिक्योर लिंक होगा, है ना। तो बस हो गया। तो अब जब मैं नया वाला देखूँगा, अपना एडमिन पैनल में चला जाता हूँ, 127, ठीक है। क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे आता हूँ, ठीक है। नहीं सॉरी, नॉट हेयर, एडमिन पे जाना है ना मुझे, एडमिन पे जाना है। तो प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ एंड जो लेटेस्ट है उस पर ओपन करता हूँ, तो क्या आया? QQQ HTTP आ गया, राइट। तो ऐसे ही कुछ चाहिए मुझे, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए होगा, ठीक है। आगे भी ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने अभी एक छोटा सा, अब देखो ध्यान से समझो क्या होगा। देखो री क्या होते हैं, पहले हमने क्या किया, इम्पोर्ट री किया। इम्पोर्ट री क्या होता है, एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग ऑपरेशन में हमने क्या किया कि अगर री डॉट मैच, तो क्या हुआ, ये होता है रेजेक्स। रेजेक्स का क्या मतलब होता है कि कुछ पैटर्न होते हैं स्ट्रिंग्स के, ठीक है, जो आपको लाइक जो आप यूज़ कर जो जिससे आप मैचेस कर सकते हो, ठीक है। इस पैटर्न का मतलब क्या होगा, इस पैटर्न का मतलब होगा कि अगर पूरी स्ट्रिंग में कहीं पे भी HTTP एग्जिस्ट करता है, या और, ये साइन होता है और का, ठीक है, या FTP होता है या HTTPS होता है, ठीक है। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जैसे HTTPS होता है वैसे ये होता है, ठीक है। एक होता है HTTPS, ठीक है, दोनों में चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ट्रू देगा, लेकिन यहाँ पे हमने नॉट लगाया हुआ है, तो इससे क्या मतलब होगा, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तब ये ट्रू देगा, ठीक है। अगर ये ट्रू हो गया तो क्या करें, तो एक काम करें, ये चीज़ रिटर्न करें। ये क्या है, इसके आगे जो URL आया है वो डाल दे। मान लो अगर तुम्हारे पास URL है ऐसा कुछ, URL=Google.com, ठीक है, ठीक है। तो अगर तेरे पास ऐसा कुछ है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, ठीक है, अब क्या होगा, Google.com पहले तो यहाँ पे आएगा, फिर
कहेगा कि भैया क्या google.com पे जो स्ट्रिंग है उसमें HTTPS वगैरह ये है, ये तो कहेगा कि भैया नहीं है, नहीं है तो नहीं का नॉट हो जाएगा, नहीं नहीं है का मतलब हो जाएगा हाँ है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या करेगा, सॉरी मतलब नहीं नहीं है का मतलब क्या है कि ये जो कंडीशन है ये ट्रू जब होगी जब इसके अंदर ये HTTP नहीं होगा, ठीक है। तो अगर HTTP नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो ये चलेगा। अब ये चलेगा तो क्या हुआ, इसने क्या करा, इसने कहा कि भाई HTTPS के आगे फॉर्मेट करके URL लगा दे, ठीक है। तो इसने HTTPS के आगे URL लगा दिया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़, अब ये क्या हुआ, ये चीज़ फिर रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, ये जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है वहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न कर दो, ठीक है। अब ये चीज़ यूज़ कहाँ हो रही है, हमने यूज़ करी है यहाँ पे इधर एल्स में, ठीक है। हमने क्या किया, अगर ये सही है कंडीशन, लाइक अगर जो लिंक है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है लिंक में, ठीक है। तो क्या करें, लिंक के अंदर ये पर्टिकुलर वो चलाए, एंड अगर इसके अंदर HTTPS लगा है तो लगा दे, नहीं लगा है तो मत लगा, अगर नहीं लगा तो लगा दे, अगर लगा है तो कुछ मत कर। तो हमने ये करा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइम पे गिटहब गिट लिंक के अंदर अगर HTTPS होगा तो वो आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। इससे क्या होगा, हमारे इमेज में जो दिक्कत आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी सारी, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे, अभी हम यहाँ पे कहीं पे हैं, एंड हमने काफ़ी कुछ कुछ समझाने के लिए एरर कर दिया तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, बंद करो इसको। तो अभी क्या दिक्कत चल रही है, अभी तो शायद कोई दिक्कत नहीं है ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया, हो गया सब कुछ। अभी कुछ बचा है दिक्कत के मारे, आई गेस नहीं बचा है ना। अब बस हाँ एक दिक्कत बची है कि पुरानी जो लिंक्स है वो सारी खराब होंगे, है ना। तो हम ये करना, हमें सब कुछ डिलीट कर देंगे, पूरा का पूरा ये डिलीट कर देंगे, मतलब प्रोजेक्ट पूरा मैं सिलेक्ट करूँगा, एंड मैं कहूँगा भैया डिलीट सिलेक्टेड प्रॉपर्टी एंड डिलीट कर दूँगा, ठीक है। आई एम श्योर यस कर दूँगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं अपने पेज पे जाऊँगा, ठीक है, रीलोड करूँगा, ठीक है। तो कोई भी नहीं आ रहा, क्रिएट अ प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका मस्त सा टाइटल होगा, ठीक है, मस्त सा डिस्क्रिप्शन होगा, मस्त सा एनरोलमेंट नंबर होगा, मस्त सा ये सब होगा, ठीक है। गिट हब लिंक भी, अब असली गिट हब डालते हैं ना कोई बढ़िया सी, गिट हब लिंक। मैंने क्या बनाया था, ये बनाया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो गिट हब लिंक है, अब मैं इसका लिंक डाल देता हूँ, ये कॉपी कर लिया मैंने लिंक, ठीक है। एंड मैंने, सॉरी नॉट हेयर, यहाँ पे ये, ठीक है। अरे कहाँ गया वो, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गिट हब लिंक पेस्ट कर दी, ठीक है। ऑप्शनल लिंक है, इस बार हम कोई बढ़िया कोई प्रोजेक्ट डाल देते हैं, कोई आसान सा, मेरा कोई प्रोजेक्ट था, कहाँ गया वो। ये रहा, ठीक है, इसको मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ ना, मैं इसी की लिंक डाल देता हूँ, क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है हाँ। इसका यार लिंक मैं भूल गया, होगा कहीं ना कहीं नीचे पड़ा हुआ, ये क्या है, यही है क्या, यही है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना इधर जाएंगे एंड इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, एंड इधर पेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चूज़ फाइल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव करके इसका वो कर लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे हम, मतलब मैं दिखा रहा हूँ एक यूज़र कैसे करेगा। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या है, वो यूज़र टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ अभी रुको एक मिनट, सेव करना पड़ेगा इसको, खुला ही नहीं आ रही है, खुल गया, सही है, हाँ फेल टू ओपन स्निप, बेकार। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, कस्टम एरिया का लेंगे स्क्रीनशॉट, एंड कस्टम एरिया को हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे, ये वो है छोटी सी वो है, एक एक्सटेंशन है इसका, ठीक है। तुम चाहो यूज़ करो, ना चाहो मत यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सिर्फ वैसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए रखा है, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं इसको सेव करूँगा, कहाँ करूँगा, कहीं भी कर दूँगा सेव, सेव एज PNG, ठीक है। PNG सेव करूँगा मैं कहाँ पे, MD रोहान करके, ठीक है, कहाँ करूँगा, ऑल फाइल्स करके, सबसे पहले इसको JPG में कन्वर्ट कर देता हूँ, JPEG में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि बस ऐसे ही, ठीक है। ये क्या हुआ, ओहो कॉमा लगा दिया मैंने, कमाल है यार,
यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब और गलती कर दी, JPEG, यस आई वॉन्ट टू चेंज द फाइल्स एक्सटेंशन, ठीक है। ओपन करूँगा, एकदम बढ़िया ओपन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सब सही है। अब इस वाली फाइल को ऐड कर देता हूँ मैं। ओह नहीं, वॉट, मैं कुछ नहीं कहूँगा, अपने आप को क्रेटा प्रोजेक्ट करेंगे, दोबारा करेंगे ये सब, ठीक है। एंड लिंक बनाएंगे एक, जो लिंक आ नहीं रही है। ये था ऐप का लिंक, ये था मेरा लाइव लिंक, ये था मेरा लाइव लिंक, ठीक है। एंड चूज़ फाइल करके मैं डाउनलोड्स में जाऊंगा, ठीक है। एंड ये जो मैंने करा था ये ऐड कर लूँगा, ठीक है। सबमिट कर दूँगा पेज को, तो आ गया, राइट। तो फॉर्म रिपोर्टिंग बताएंगे क्या क्या है सब, तो यहाँ पे आ गया। लाइव लिंक ओपन करता हूँ तो क्या आएगा, ये खुल गया। ओके देखो यहाँ पे हमसे इशू क्या हुआ, हमने जैसे लाइव लिंक पे किया वो इसी पेज पे खुल गया, जिससे बंदे का फ्लो हिल गया होगा, ठीक है। हमें वो सब नहीं करना, हमें एक नए पेज पे खोलना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो हम जाएंगे इंडेक्स पे, एंड लाइव लिंक वाला जो, एंड लाइव लिंक एंड गिटहब लिंक दोनों में हम लगा देंगे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। सेम चीज़ हम लगाएंगे यहाँ पर भी। पेज को रीलोड करेंगे, अब लाइव लिंक ओपन करेंगे तो अलग से ओपन हो रहा है, बंदा देख सकता है। गिटहब लिंक ओपन करेगा तो बंदा देख सकता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है, मस्त है, बढ़िया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक नई चीज़ करनी है, अब हमें एक बटन और बनाना है, ठीक है। वो बटन क्या करेगा, वो बटन है डिलीट बटन, डिलीट बटन, ठीक है। अब क्या होगा, डिलीट बटन, लेकिन ये जब ही दिखेगा जब ये जो पर्टिकुलर वो होगा, समझ रहे हो क्या, हमें तभी दिखना चाहिए। इफ 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 ओके, ठीक है। ये तभी दिखना चाहिए जब हमारा डॉट सबमिटेड, डी डॉट सबमिटेड, डी डॉट सबमिटेड इक्वल्स टू हो किसके, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के। मुझे मतलब ये तभी काम करना चाहिए जब जो सबमिटेड हो, मतलब ये जो पर्टिकुलर जिसने बनाया है, अगर वही यूज़र लॉग्ड इन हो तभी ये डिलीट बटन दिखना चाहिए, वरना नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वैसे आएगा तो नहीं, कहेगा इक्वल्स टू इक्वल्स टू कैन नॉट पार्स द रिमाइंडर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, तो यूज़र डॉट ऑथेंटिकेशन सीधा, तो अगर हम सीधा यूज़र लिखें तो कैसे ही रहेगा, सबमिटेड यूज़र, ओके चेक कर लेते हैं हम, हाउ टू चेक यूज़र विद ऑथर चैंगो टेम्पलेट, क्योंकि ऑथर एक ऐसा वर्ड है, हाउ टू गेट यूज़र इन्फॉर्मेशन इन जैंगो, ठीक है। एंड सबमिट यूज़र नेम, अरे एक काम करते हैं ना, हम सबसे पहले तो दो तीन चीज़ें चेक करा लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कि जो जो इस जॉर्ज ऑथेंटिकेटेड है वो सबमिटेड, एक मिनट होगा, पहले मुझे देखना पड़ेगा कि जो हम होम पे जाते हैं एक बार, तो सबसे पहले होम पे जाते हैं, होम पे जाके सबसे पहले ये देखते हैं कि हम नाम कैसे दिखा रहे हैं, अपना नाम हम कैसे दिखा रहे हैं, हम नाम दिखा रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट लास्ट नेम से, अच्छा यूज़र डॉट रिक्वेस्ट डॉट लास्ट नेम से हम अपना नाम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने इस प्रोजेक्ट में आते हैं, यही है ना प्रोजेक्ट, बहुत सारी फाइल्स ओपन है, मैं सब बंद कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन कम हो, ठीक है। प्रोजेक्ट में आते हैं एंड हम डिलीट बटन के आगे यहाँ पे कुछ कुछ लिखते हैं, सबसे पहले तो ये सब छोड़ो, ये जो बिना भी इसको अभी कमेंट कर दो, अभी हमें ये नहीं चाहिए, पहले तो हम चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि हम क्या 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 चीज़ें कैसे कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। ये हो गया, एंड हमें एक और चीज़ चाहिए, वो क्या है, वो है डी डॉट सबमिटेड बाय सबमिटेड अंडरस्कोर बाय डॉट लास्ट नेम, ठीक है। तो अगर दोनों चीज़ें सेम आई तो इसका मतलब हम ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं,
अभी कुछ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है पता नहीं। कहाँ है भाई ये दिक्कत? यूज़र यूज़र डॉट सबमिटेड, हटा दूँ क्या इसको? ठीक है इसको सेव कर लेके रीलोड कर देते हैं। ठीक है तो रोहान आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, तो किस टाइम पे एडमिन है? इस टाइम पे एडमिन होगा। एक काम करते हैं, अच्छा पहला, अच्छा ओके एडमिन ने बनाया है तो दूसरा नाम नहीं आ रहा है ना, पहला आ रहा है लास्ट। ओके इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने नाम ही गलत लिखा है यहाँ पे। ठीक है देखो दोनों सेम आ गए राइट। अब हम एक काम करते हैं, आईडी लगा देते हैं, आईडी। ठीक है आईडी देख लेते हैं कि बाकी आईडी भी सेम है क्या। देखो आईडी भी सेम है। ठीक है तो हम क्या करते हैं, हम इसी को यूज़ करते हैं कैसे, देखो ऐसे कि अगर टी डॉट सबमिटेड सबमिटेड, ओहो, तो मैंने ऐसे ही कर रखा था भाई। बाय अगर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, ठीक है रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, अगर ऐसे करके देखूँ तब क्या, तब काम करेगा? मैंने तो गलत ही कर रखा था पहले। रीलोड करूँ, कह रहा है कि एक मिनट, इक्वल्स टू कैसे यूज होता है? चांगो टेम्पलेट चेक इफ ऑब्जेक्ट इज सेम, इट इज पॉसिबल इन अ जैंगो टू चेक एन ऑब्जेक्ट तो कंटेन्स एंट्री इन लाइक्स इफ लिंक इफ एंट्री इन लाइक्स लोड स्मार्ट इफ। चलो छोड़ो, सिंपल तरीका अपनाते हैं, अपना ये यूज़ करते हैं बाय आईडी इक्वल्स टू बाय आईडी। ठीक है तो अगर ये इक्वल्स टू है इस आईडी के, जो भी लॉग्ड इन में यूज़र है उस आईडी का अगर इक्वल्स टू है तो ये चल जाए, नहीं तो कह रहा है सबमिटेड आईडी, क्या कह रहा है कैन नॉट पार्स द रिमाइंडर। मेरे हिसाब से हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इक्वल्स टू कैसे चेक करते हैं, ये देखते हैं पहले। तो चेक वैल्यू इफ सेम चांगो टेम्पलेट कैन नॉट पार्स आ रहा है, तो हमें पार्स नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि इफ़ अ वैल्यू चेक इक्वल्स टू कुछ डिविजिबल बाय कुछ। ठीक है तो ये सही होना चाहिए, बट ये काम नहीं कर रहा। इफ डी डॉट सबमिटेड बाय इक्वल्स टू दैट आईडी, हाँ तो डिलीट बटन आ रहा है। ठीक है सही हो गया, स्पेस का इशू था, स्पेस का इशू था, यहाँ पे हमें स्पेस डालना चाहिए था। ठीक है रीलोड करेंगे तो ये आ रहा है। ठीक है अब क्या होगा, अगर ये जो यूज़र है जो कि आया हुआ है, लाइक जो भी लॉग्ड इन है उसका आईडी अगर सेम है जिसने सबमिट किया है उसकी आईडी से, मतलब दोनों यूज़र सेम है, तभी डिलीट बटन दिखना चाहिए, वरना नहीं दिखना चाहिए राइट। तो ये हमने लॉजिक बनाया। ठीक है एंड हम क्या करेंगे, डिलीट बटन को हम कर देंगे डेंजर में। ठीक है डेंजर में कर देंगे, सेव कर देंगे, रीलोड कर देंगे तो डेंजर हो गया। ठीक है अब ये तभी दिखेगा जब बंदा डिलीटेड होगा, लाइक जब बंदा इसको डिलीट कर सकता है। ठीक है अब क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि डिलीट पे जैसे क्लिक करे तो ये खुल गया है, एक सबमिटेड ये चीज़ खुल गया है ना, एंड देन यहाँ पे लिखा आ जाए डू यू वॉन्ट टू डिलीट क्वेश्चन मार्क, एंड देन येस एंड नो का ऑप्शन है। ठीक है छोटा सा हमें वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो एक मॉडल तो यही है ना, ये जो मॉडल है पहला वाला जो मॉडल है ये है स्क्रीन शॉट मॉडल। ठीक है मॉडल, ठीक है अब मुझे एक और मॉडल बनाना है जो कि होगा मैं डिलीट मॉडल। ठीक है मैं बना देता हूँ, एक डिलीट मॉडल बना देता हूँ, मैंने क्या किया उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, डिलीट मॉडल बनाएंगे अब इसको हम। ठीक है यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको नाम दे देंगे भैया डिलीट आर, ठीक
नहीं, डिलीटिंग डिलीटिंग दिस एंट्री प्रोजेक्ट, ठीक है, डिलीटिंग डिलीटिंग दिस प्रोजेक्ट, डिलीटिंग दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, DELDELEA, भाई डिलीटिंग की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है ना, रिमूव कर दो यार, हटा, रिमूव दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, रिमूव दिस प्रोजेक्ट करेंगे हम, एंड देन हम बॉडी में लिखेंगे, बॉडी में लिखेंगे, ये सब हटाओ, ये सब नहीं चाहिए हमें, ठीक है, बॉडी में लिखेंगे, आर यू श्योर, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू टिल यू वॉन्ट टू रिमूव दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, दिस दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडन, ठीक है, मस्त एकदम, आई श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट, ठीक है, एंड देन फुटर के अंदर हम दो बटन बनाएंगे, एक ये एक ये, ठीक है, एक के अंदर सेकेंडरी लिखेंगे, एक के अंदर डेंजर लिखेंगे हम, ठीक है, डेंजर लिखेंगे, डेंजर से क्या होगा, एक से लाल आ जाएगा, एक से ग्रे आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ लिखेंगे हम नो NO, ठीक है, एंड यहाँ लिखेंगे हम यस यस, ठीक है, सेव करेंगे पेज को, रीलोड करेंगे, देखते हैं क्या आता है, डिलीट बटन दबाएगा, भाई कुछ भी नहीं आ रहा यार, रीलोड करेंगे पेज को, हो गया रीलोड, भी कुछ नहीं आ रहा, ओके 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 ओके, दिख गया दिख गया दिख गया, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे कुछ सब कुछ सेम रखा हुआ है आईडी, ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम एग्जांपल मॉडल की जगह हम यहाँ लिख देंगे डिलीट, ठीक है, डिलीट डिलीट मॉडल्स के आगे आईडी, ठीक है, एंड जो हमने मॉडल बनाया हुआ है डिलीट बटन वाला, ये रहा डिलीट बटन वाला जो हमारा मॉडल है, सॉरी डिलीट बटन वाला जो हमारा डिलीट बटन है, इसके अंदर हम टारगेट के अंदर हम एग्जाम्पल की जगह लिख देंगे वही डिलीट, इससे क्या होगा आईडी मैच हो जाएगी, एंड देन ये इसी को टारगेट करेगा, DELETE डिलीट, सेव करेंगे पेज को, रीलोड करेंगे, रीलोड हो गया पेज, क्या हो गया, तो अगर आर यू श्योर यू वॉन्ट टू रिमूव दिस प्रोजेक्ट, दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडन, यस और नो, नो करेंगे तो कुछ होगा, यस करेंगे तो करेंगे अभी हम, ठीक है, तो इतना हो गया राइट। अब इतना करने के बाद सबसे पहले तो मैं अपना डिलीट वाला ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, डिलीट वाला व्यू बनाता हूँ, बेसिकली पहले यूआरएल बनाऊंगा उसके बाद व्यू बनाऊंगा, ठीक है, पहले यूआरएल पे आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो हम भैया क्या करेंगे, हम करेंगे वही ब्लॉग आएगा, नहीं प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट के आगे हम लिखेंगे DELETE डिलीट, एंड देन उसके आगे मैं डालूंगा आईडी, क्या आईडी होगी, इंट आईडी, ठीक है, इंट आईडी होगी, ठीक है, एंड ये जो आईडी होगी इसको मैं लिखूंगा डिलीट, DELETE डिलीट, ठीक है, एंड व्यूज़ पे आते हैं, अब हमें इसका ज़रूरत नहीं, हमने ऊपर कुछ कुछ बनाया होगा, पैराम्स आईडी रिक्वेस्ट क्रिएट, ये वाला चाहिए मुझे, ये वाला भी नहीं चाहिए, बस खैर कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, लग ही बनाऊंगा मैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड इंडेक्स को मैं लिखूँगा DELETE डिलीट, ठीक है, पैराम्स मैं दूँ ना दूँ कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए रिटर्न चाहिए मुझे, सॉरी रिडायरेक्ट चाहिए प्रोजेक्ट पे, ठीक है, यहाँ पे मुझे रिटर्न की चाहिए, रिडायरेक्ट चाहिए मेरे प्रोजेक्ट पे, मुझे चाहिए एक आईडी जो कि मैं वहाँ से लेने वाला हूँ, ठीक है, आईडी आएगी मेरे पास, मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा मैं एक उठाऊँगा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट उठाऊँगा, ठीक है, जो कि इक्वल्स होगा प्रोजेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, याद रखना ये वही चीज़ें जो हमने पहले कर रखी हैं, आई डी इक्वल्स टू आई डी, ठीक है, आई डी इक्वल्स टू आई डी, आई डी कौन सा, ये आई डी है जो कि हम आई डी सर्च करेंगे गेट इस प्रोजेक्ट में, एंड ये आई डी कौन सा, ये आई डी वो है जो हमने फेच करा होगा, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये सब चला गया, ठीक है, एंड एक काम करते हैं हम, यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, ठीक है, मैसेज डालेंगे हम यहाँ पे कि एरर नहीं, सक्सेस डालेंगे, क्या डालेंगे सक्सेस में, हम यहाँ डालेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, प्रोजेक्ट डिलीटेड, प्रोजेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, तो स्पेलिंग माफ़ कर देना यार, स्पेलिंग मैंने बहुत मैसअप कर दी, सक्सेसफुली, ठीक है, आई होप ये स्पेलिंग ठीक है, बट फिर भी कोई बात नहीं, ठीक
ठीक है, तो ये हो जाएगा एंड देन हम कुछ कर देंगे। ठीक है, अब डिलीट कैसे करते हैं? डिलीट के लिए सबको याद होगा कौन सा हमने आईडी लिया है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे भैया प्रोजेक्ट डॉट डिलीट, है ना, यही करते थे ना प्रोजेक्ट डॉट डिलीट के लिए, डिलीट करने के लिए किसी चीज़ को यही करते थे, कुछ और करते थे, याद है किसी को? मैं तो देख के बताऊंगा, तुम लोग बताओ अगर तुम्हें याद है तो। ब्लॉग के अंदर करा था हमने, डिलीट कोई बताएगा मुझे, मैं हूं भी क्लास में। सही है। सही है, ऐसे करना है तो सेव वेव करने की जरूरत नहीं है मुझे। शायद करना पड़ेगा, पक्का नहीं बता, शायद करना पड़ेगा। देख लेते हैं यार क्या दिक्कत है। चेकआउट 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 चेकआउट, सबमिट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, किस में बनाया था मैंने, याद है किसी को, किस पर्टिकुलर फाइल में बनाया था? मेंबर में बनाया था, ब्लॉग में बनाया था, किस में बनाया था मैंने डिलीट? सब लॉग बनाया था अपना। ब्लॉग में बनाया था मैंने डिलीट, ब्लॉग क्रिएट यस है, सर। ब्लॉग व्यू है, ब्लॉग डिटेल है, ब्लॉग लिस्ट है। भाई डिलीट तो नहीं है यहाँ पे। डिलीट वाला ब्लॉग में कर अरे रखे थे। अरे सुनो, मैं याद आ गया मुझे, मैंने ब्लॉग बताया था तुम्हें रिवीजन में, रिवीजन वाले प्रोजेक्ट में बनाया था, बताया था मैंने तुम्हें डिलीट एंड एडिट कैसे करते हैं। यस सर, तो यस सर। हाँ, है ना, तो ब्लॉग के अंदर हम देख लेते हैं कैसे हमने डिलीट कर रखा है। तो एकदम करेक्ट कर रखा है हमने, कोई गलती नहीं कर रखी यहाँ पे हमने, ऐसा ही होगा ये। ठीक है, तो बस क्या करें, हमारे तो बात ही कुछ अलग है, हम जो काम करते हैं वो सही होता है। ठीक है, तो सक्सेसफुली हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा अगर सेम है तो। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम दो चीज़ें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इफ़ जो ये जो प्रोजेक्ट आएगा यहाँ पर, इधर 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 एक काम करेंगे हम, इधर इफ़ प्रोजेक्ट डॉट सबमिटेड अंडरस्कोर बाय डॉट आईडी, ठीक है, अगर ये इक्वल्स, हम दो चेक लगा रहे हैं, एक बार हमने पहले लगाया, एक बार हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं, क्योंकि क्या पता बंदा फ्रंट एंड में गड़बड़ कर दे, बैक एंड में वो गड़बड़ नहीं कर पाएगा जब तक उसके हाथ में कोड नहीं होगा। ठीक है, अगर वो इक्वल है किसके, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी के, तभी वो डिलीट करे। तो हम यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट, अभी करते हैं डिलीट मी। ठीक है, एल्स एल्स हम लिखेंगे, क्या एल्स लिखेंगे, हम यही चीज़ डाल देते हैं एंड यहाँ लिख देते हैं हम, क्या यहाँ लिख देते हैं, एरर मैसेज के साथ, एरर मैसेज के साथ, ई डबल आर ओ आर, एरर मैसेज के साथ क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट यू आर नॉट यू कैन नॉट डिलीट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब इसके अंदर हम एक और चेक लगाएंगे, क्या चेक है वो ध्यान से देखना। ठीक है, वो हम चेक लगाएंगे कि क्या ये जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है, क्या ये एडमिन है। ठीक है, डॉट इज अंडरस्कोर एडमिन, शायद यही होता है, तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि क्या ये एडमिन है या नहीं, इसका ऐसा ही होता है क्या। चांगो यूज़र इज एडमिन, देख लेते हैं एक बार, रुको एक बार, जांगो यूज़र मॉडल, ठीक है, यूज़र मॉडल देख लेते हैं कि क्या ये एडमिन, ऐसे ही होता है कि यूज़र करेक्टर फर्स्ट नेम ईमेल ग्रुप इज स्टाफ इज एक्टिव इज सुपर यूज़र। ठीक है, इस सुपर यूज़र में चेक करना है।
इस सुपर यूज़र में चेक करना है, ठीक है, इस ऑथेंटिकेटेड यूज़र एनोनिमस गेट यूज़र नेम वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं, इस यूज़र नेम या इस स्टाफ, ठीक है, इस स्टाफ कैन एक्सेस द एडमिन टाइप, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस स्टाफ हम ट्रू, हम सिर्फ अभी के लिए हम इस सुपर यूज़र कर लेते हैं कि अगर वो सुपर यूज़र है, और नहीं होता भाई, और होता है, और होता है, ठीक है, अगर ये सुपर यूज़र है पहले तो ये चेक करेगा कि जो सबमिटेड बाय है उसका जो आईडी है वो क्या यूज़र की आईडी से कनेक्ट, वो सही मैच करता है, ठीक है, अगर वो मैच करता है तब वो कर देगा, लेकिन अगर वो मैच नहीं करता तो फिर ये वाली चेक करेगा कि क्या जो डिलीट कर रहा है वो सुपर एड, क्या वो सुपर यूज़र है, अगर वो सुपर यूज़र है तो ही डिलीट करेगा, वरना वो कहेगा यू कैन नॉट वो मतलब डिलीट दिस वट एवर इट इज़, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी के लिए हम डिलीट हटा देते हैं ताकि हमारे पास एक ही चीज़ रहे एंड हम उसको बार बार यूज़ कर सकें, बस अभी हम देख लेते हैं कि हमारा प्रिंट स्टेटमेंट सही काम कर रहा है या नहीं, ठीक है, डिलीट बटन दबाएंगे, अभी हम कौन है, अभी हम सुपर यूज़र हैं, ठीक है, अभी हम नहीं, अभी हम रोहान है, रुको एक मिनट देख लेते हैं ना, लॉग इन कर लेते हैं हम पहले उससे, अभी हम नॉर्मल यूज़र से लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है, एक काम करो एडमिन से लॉग इन करते हैं पहले, तो हम एडमिन करेंगे एंड यहाँ पर हम करेंगे एडमिन, है ना, एडमिन से लॉगिन हो गया, हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडमिन से एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे हमारे पास दो यूज़र बन जाए, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम क्रिएट अ प्रोजेक्ट करते हैं, पहला वाला भी एडमिन ने बनाया था, क्या बात है, ठीक, इसका हम कुछ और लिख देते हैं, एडमिन ब्लॉग, ठीक है, सेव कर देते हैं, सॉरी सेव तो नहीं करना, कुछ कुछ लिख देते हैं, कुछ कुछ डाल देते हैं, कोई फाइल चूज़ कर लेते हैं बढ़िया सी, ठीक है, एंड सबमिट कर देते हैं फाइल को, तो आ गया एडमिन ब्लॉग, ठीक है, एडमिन ने बनाया है, राइट, अब इसको लॉगआउट करते हैं, ठीक है, अब हम डालते हैं, वापस आते हैं लॉगिन पे, ठीक है, एंड यहाँ पे हम डालते हैं रोहान, ठीक है, नॉट दिस रोहान, रोहान, ठीक है, एंड यहाँ पे हम डालेंगे अपना वही पासवर्ड, ठीक है, एंड सबमिट करेंगे, तो किससे लॉगिन हुआ, मोहम्मद से लॉगिन हो गया, राइट, प्रोजेक्ट पे आते हैं, अब एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम रखेंगे अपना कुछ नया नाम, कुछ ऐसा रखेंगे, कुछ ऐसा रखेंगे, कुछ ऐसा रखेंगे, कुछ ऐसा रखेंगे, कुछ कुछ ऐसा रखेंगे, रुको यार, ऐसा रखेंगे, कुछ ऐसा रखेंगे, फाइल चूज़ करेंगे बढ़िया सी कोई, ठीक है, एंड देन हम इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है, तो ये किससे हुआ, ये हुआ रोहान, ठीक है, अब देखो अभी के लिए मैं रोहान से लॉगिन, तो मेरा सिर्फ रोहान में डिलीट आ रहा है, राइट, अगर मैं एडमिन से होता तो मेरा यहाँ पे इन दोनों में डिलीट आ रहा है, ठीक है, तो मैं अभी रोहान से लॉगिन हूँ तो मैं रोहान से कर लेता हूँ चेक, ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस प्रोजेक्ट, यस आई एम श्योर, ठीक है, अब क्या हुआ होगा, अभी देखो डिलीट तो हुआ नहीं क्योंकि अभी हम कुछ कर रहे हैं, अब क्या होगा, प्रिंट देखते हैं प्रिंट में क्या आया, लिंक इज हेयर आ रहा है भाई, क्या सीन है, अच्छा ओके ओके ओके, हमने आधे अधूरे काम किए हैं और कुछ नहीं, जो यस का बटन है, यस का बटन में हमें इसको एंकर टैग देना है, यस का बटन में इसको एंकर टैग देना है, ठीक है, एंड इसके नाम है एचरेफ देना है, एचरेफ देना है, एचरेफ क्या होगा वो होगा क्या ये प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट स्लैश डिलीट स्लैश इस पर्टिकुलर ब्लॉक का आईडी, तो मैं कह दूंगा डी डॉट आईडी, ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या ये सही काम करेगा, डिलीट यस, तो क्या हुआ, तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, क्या परेशानी है तुमको बताओ सर, क्या परेशानी है आपको, डिलीट 15 प्रोजेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली आ तो गया, तो क्या यहाँ पे आ गया वो डिलीट में, ठीक है डिलीट में तो हो गया, तो मतलब ये चीज़ यहाँ तक की तो ठीक है, ठीक है, ये किसी वजह से काम नहीं कर रहा, कर रहा होगा यार, ध्यान नहीं दिया होगा हमने, ये डिलीट हो गया भाई, ये क्या सीन है भाई, मैं डिलीट तो मैंने कमेंट भी किया था, कमेंट किया था ना मैंने, डिलीट किया था शायद, सेव नहीं हुआ होगा या पता नहीं रीलोड नहीं हुआ होगा, कुछ तो सीन था, खैर जो भी था दोबारा बनाना पड़ेगा हमें,
ठीक है बन गया, तो ये आ गया। ठीक है, डिलीट नहीं आया इस बार। क्यों नहीं आया भाई डिलीट? इस बार डिलीट ही नहीं आया। कुछ गलती हुई? पेज को रीलोड करो, इस पेज को रीलोड करो। कैसे भी गायब हो गया क्या? हमने कुछ गलती कर दी क्या? डिलीट मॉडल, देखो ये रहा, कहाँ गया? बंद करो इसे भी, ये रहा। अगर सबमिटेड बाय डॉट आई डी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आई डी तो ही वो शो करे, वरना वो ना करे। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ से इसको लॉग आउट करूँ एंड दोबारा लॉग इन करूँ, किससे? रोहन से। 1 2 3 4 5 6 7 8। लॉग इन कर दिया जाए, लॉग इन हो गया है एंड हम सीधा प्रोजेक्ट पे जाएंगे। यहाँ से प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे, अभी भी नहीं आ रहा डिलीट भाई। सबमिटेड बाय एंड रिक्वेस्ट आईडी का मैच नहीं कर रही। अभी तक तो सही काम कर रहा था। टू वन आईडी मेरा लॉग इन है 2 1 से। अच्छा, इन लास्ट वाले में क्यों नहीं आ रहा? अगर 2 2, देखो ये मैच तो है, ये मैच तो है बबुआ, फिर आ क्यों नहीं रहा ये? इफ दिस इक्वल्स टू दिस शो दिस, तो कोई छोटा मोटा एरर मारा है क्या मैंने? हेलो सर। हाँ जी जय। हाँ ठीक है भैया, 5 मिनट रह गए। हाँ हेलो, क्या हाँ हुआ? सर, खाली 5 मिनट बाकी है, 1 बजने में। ओके ब्रो, नो प्रॉब्लम। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि भैया ये चलते चलते चीज़ें बंद कैसे हो गई। कोई एरर ढूंढ सकता है क्या यहाँ पे जो मुझे नहीं दिख रहा? सबमिटेड बाय डिलीट मॉडल, डिलीट मॉडल ये, डिलीट मॉडल ये, इसका एंड इफ यहाँ बंद हो रहा है, इसका एंड इफ कहाँ हो रहा है? ये कौन सा एंड इफ है? ये कौन सा इफ है? ओ भाई, यहीं कहीं एरर है। ये बंद करो, इसका इफ यहाँ ख़त्म हो रहा है। स्क्रीनशॉट मॉडल, इसका ये जो है ये आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसको अब मारते हैं रीलोड। देखो आ गया। हाँ, फालतू के एरर। बेकार के एरर। खैर जो भी है, 5 मिनट में हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। डिलीट होगा तो यस हो जाएगा। ठीक है, यस करते हैं हम। यस करोगे तो कहाँ आ गया ये? कुछ भी नहीं हो रहा यार यस करने पे। यस कर। एच रेफ एंकर डेटा। अच्छा ओके, डिसमिस मॉडल है इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो डिसमिस मॉडल हमने यहाँ पे लगा रखा है फालतू का, ये देखो लिंक के अंदर अगर तुम बूटस्ट्रैप का डिसमिस मॉडल लगा दोगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें चला के, ये चलेगा, मस्त चलेगा। तो यस करोगे तो ये चल गया, प्रोजेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, एंड ये डिलीट मी भी आ रहा है, राइट? ठीक है, अब देखो अब क्या होगा। अब हमें यहाँ पे भी एक वो चेक लगाना है जो हमने यहाँ पे लगाया था, जो हमने यहाँ पे लगाया था कि अगर ये सुपर यूज़र है तभी वो डिलीट कर पाए वरना ना कर पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स में जाएंगे एंड ये जो हमने यहाँ पे चेक लगाया था एक, ये वाला चेक लगाया था, हमें इसके अंदर एक और चेक लगाना है। ठीक है, हम लगाएंगे और डी डॉट, नहीं, एक रिक्वेस्ट
ये नहीं, ये इज स्टाफ नहीं, इज सुपर यूजर, सुपर यूजर। अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो भी इसको डिलीट बटन दिखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे क्या होगा हमारे साथ, ठीक है। देखो यहाँ पे डिलीट बटन नहीं आया आएगा, क्यों? क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है, एंड जो हमारा रोहन ये है, ये हमारा सुपर यूज़र नहीं है, राइट। तो मैं दिखाता हूँ सुपर यूज़र कैसा दिखता है अभी, ठीक है। दिखाता हूँ मैं तुम्हें, इफ़ के बाहर लगाओ इसको, और ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, ठीक है। देखो फॉल्स 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 फॉल्स, राइट। अभी सब में फॉल्स आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा ही सुपर यूज़र जो है वो मेरा वो नहीं, मतलब जो मेरा यूज़र है वो सुपर यूज़र नहीं है, राइट। अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ सुपर यूज़र से। सुपर यूज़र कौन सा है? मेरा एडमिन एडमिन है, लॉगिन करता हूँ उसको, ठीक है। अब तुम जाओगे अपने प्रोजेक्ट पे, शट अप, प्रोजेक्ट पे जाता हूँ मैं। अब देखो क्या लिखा है, ट्रू ट्रू ट्रू। अब सब में डिलीट बटन आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं यूज़र हूँ तो मैं सब कुछ डिलीट कर सकता हूँ, अगर मैं सुपर यूज अगर मैं यू सुपर यूज़र नहीं हूँ तो मैं सिर्फ वही डिलीट करूँगा जो कि लाइक जो कि मेरे उसमें, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, सुपर यूज़र से नॉर्मल वाला कोई डिलीट करके देख लेता हूँ। यस करता हूँ, तो क्या आया? देखो प्रोजेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे सारे लॉजिक सही से काम कर रहे हैं, बस अब हमें इस लॉजिक को अप्लाई करना है। लॉजिक को अप्लाई करने के लिए हमें सिर्फ एक लाइन अनकमेंट करनी है, वो कौन सी लाइन है? वो ये वाली लाइन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको अनकमेंट कर देंगे। तो क्या होगा अगर डिलीट है तो हम इसको प्रोजेक्ट मी के आसपास लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर। अगर ये सही है, लाइक अगर सारी चीज़ें सही हैं, सुपर यूज़र है या फिर वो एडमिन जो है सब मैच करता है, तब तो ये हो जाए, ठीक है। नहीं तो यू कैन नॉट डिलीट दिस प्रोजेक्ट आ जाएगा। इन केस अगर उसने कोई वो मारी तो, देखो ये दिखाता हूँ ये कैसे करेगा, ये कैसे एरर आएगा दिखाता हूँ मैं। देखो अभी कौन सा बटन है ये दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। एडमिन है ये, राइट। एडमिन का कौन सा ये है? ये है 13, ठीक है, 13 है ये, ओके। अब देख लेते हैं, अब मैं लॉग इन करता हूँ अपने नॉर्मल यूज़र से, ठीक है, नॉर्मल यूज़र से। ठीक है, नॉर्मल यूज़र से लॉगिन करने के बाद मैंने क्या किया, मैं गया प्रोजेक्ट पे, ठीक है, मैं प्रोजेक्ट पे गया, मैंने यहाँ लिखा डिलीट, DELETE, डिलीट, एंड मैंने मारा 13, 13 था ना, 13 था ना वो डिलीट वाला, अभी जो हमने देखा था इसका जो यस सर, है ना। तो एंटर मारता हूँ, यू कैन नॉट डिलीट दिस प्रोजेक्ट, राइट। समझ रहे हो सिक्योरिटी कैसी खतरनाक कर गया हमने इस बार, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाला देखूँ, ये वाला डिलीट बटन देखूँ, कौन सा डिलीट है? यह है 16, ठीक है। दोबारा सेम चीज़ करते हैं, लेकिन इस बार 16 के साथ करेंगे, DELETE, डिलीट स्लैश 16, ठीक है। अगर मैं ये करूँ, क्योंकि मेरा यूज़र सेम है तो मैं कर सकता हूँ इसको, देखो डिलीट हो गया प्रोजेक्ट, ठीक है, डिलीट हो गया प्रोजेक्ट, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमने अभी करी हैं, एंड ये सही है ना, मस्त है ना ये। तो आज क्या हो गया हमारा आज? यार मोस्टली सारा काम हो ही गया, बस हमें होम पेज वोम पेज बनाने रह गए भाई हमारे। होम पेज बना दिया हमने, प्रोजेक्ट बना दिया हमने, डिलीट का ऑप्शन बना दिया, हमारा एक एडिट का ऑप्शन रह गया है ना, कि डिलीट के साथ हम एडिट भी कर सकते हैं हमारा सबमिटेड प्रोजेक्ट, है ना। एंड देन हमें एक चीज़ बनानी है, सर्च ऑप्शन बनाना है इसके अंदर, एक ठीक है, एक सर्च ऑप्शन बनाना है, ये दो चीज़ें रह गई हमारी। उसके बाद मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। होम पे जाएंगे हम, होम को बना देंगे फिर एक बार, कि होम में क्या दिक्कत, मतलब होम को थोड़ा सुंदर बना देंगे, इसमें डेटा वेटा ऐड कर देंगे कुछ, है ना। एंड बाकी तो यही सही है, ठीक है। ये क्या है देख रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, समझ गया क्या इशू है। इशू ये है कि मैंने इंडेक्स के बेस में यहाँ पे इधर इधर, तो मैंने यहाँ पे इधर जो CSS है, ठीक है, इस वाले जो ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इसके मैंने CSS में खुशी खुशी ये तो डाल दिया था फॉन्ट फैमिली ये, लेकिन मैं बाकी जगहों पर नहीं डाला, ठीक है। तो मैं सेम चीज़ करूँगा, मैं काम करता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ इसे, इसे मैं सीधा बेस पे डाल देता हूँ, बेसिक पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमने स्टाइल बना रखे हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ सीधा, ठीक है। एंड मेरे पास जो दो तीन और बेस है उन पे भी सेम चीज़ कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक बेसिक टेम्पलेट है, ठीक है, इसमें भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। एंड जो मेरे पास
होम हो गया, हेल्पर जो था, हेल्पर के अंदर जो HTML फाइल थी उसके अंदर मैं ये चीज़ डाल देता हूँ, ठीक है, सेव कर लेता हूँ। अब शायद ये जो छोटा बड़ा हो रहा था अब ये नहीं होगा, ठीक, अब नहीं हो रहा ये, ठीक है, बढ़िया एकदम मस्त काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आज का लेसन तुम लोगों को ढंग से समझ आया होगा,